हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम लास्ट टाइम का मैथ्स और क्लास टाइम के मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए, 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी चल रही है। कक्षा 10 का गणित है। ओके, इस गणित के सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको केवल इस वीडियो में यही बताए जाएंगे, और आगे भी वीडियो की सीरीज चल रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। तो देखिए, संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 101% गारंटी है आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वही आपको समझाए जाएंगे, उसका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना पेपर के लिए, काफी आता है एग्जाम में, पिछले साल भी आ चुका है, देखना पेपर उठा के। सवाल यह है 6 नंबर का, इसको पढ़े ध्यान से। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात करनी है तुम्हें, कौन सी वाली भिन्न होगी? तो बात आती है भिन्न क्या होती है, जिसको हम अंश तथा हर में लिख सकते हैं, अंश बटा हर में, उसको भिन्न कहते हैं। तो आप लिखेंगे क्या कि माना, लिखेंगे माना अंश बराबर, माना अंश बराबर हमने मान लिया एक्स, और हर बराबर हमने कह दिया क्या है, वाई है। अंश और हर हमने मान लिया है, अब मानोगे क्या भिन्न, भिन्न क्या बनेगी, भिन्न क्या होती है जिसको हम अंश बटा हर में लिख सकें, जिसको हम अंश बटा हर में लिख सकें। अंश कितना है x और हर कितना है y। अब सवाल को करो प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, कितना जोड़ने हम 2, तो तुम लिखोगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार क्या होगा। देखो, अंश मेरे पास कितना है x है, और कितना जुड़वा रहा है इसमें 2, तो 2 जोड़ दो। हर क्या है y, और दोनों में जुड़वा रहा है ना, अंश में भी 2 जुड़वा रहा है और हर में भी 2 जुड़वा रहा है, तो तुम्हारे पास हर में भी 2 जुड़ जाएगा। और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 9/11। कितना हो जाता है, 9/11। तो इधर हो गया तुम्हारे पास 9/11। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखो ध्यान से, बेसिक है, ध्यान से देखियो। देखो बीच में बराबर आ गया, तो इससे इसकी गुणा करते हैं, इससे इसकी गुणा करते हैं। देखो 11 से x की गुणा करेंगे तो क्या होगा, 11x। ठीक, अब 11 से 2 की करो, 11 से 2 की गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 11 × 22 आ जाएगा। अब इससे इसकी गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब 9 से 22 की करोगे कितना आ जाएगा, 9y, प्लस 9 से 2 की करोगे, 9 × 18। अब यहां पर तुम्हें बेसिक में क्या बताया गया था कि ये x और y के मान एक तरफ भेजो, संख्या संख्या उठाकर एक तरफ भेजो। तो तुम लिखोगे 11x इधर को, देखो ये 9y इधर किसका है, प्लस का है, इधर खींचो किस हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 9y हो गया। इधर कौन है, पहले से 18 प्लस का है, ध्यान से देखो ये बेसिक है। ये 11x ऐसे लिखा, प्लस का 9y था, इधर खींच कर क्या हो गया, माइनस का। 18 मैंने ऐसे लिखा, इधर प्लस का 22, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहां पर आ गया तुम्हारे पास 11x, यहां से आ गया 9y, इधर कितना बचा, 18 में से 22 निकाले, माइनस के कितना हो जाएगा, 4। इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1, क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से आगे सोल्व करें, देखो ध्यान से आगे कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। देखो एक कंडीशन हमने सोल्व कर दिया, 9/11 हो जाती है। आगे पढ़ो, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो देखो अंश मेरे पास क्या है, x है, और हर क्या है मेरे पास, y है। अब इसमें अंश में कितना जुड़वा रहा है, 3, तो 3 यहां पर अंश में जोड़ दो, और हर में कितना जुड़वा रहा है, इसमें भी 3 जुड़वा रहा है, अंश और हर दोनों में 3 जुड़वा रहा है। भिन्न कितनी हो रही है, 5/6 की, 5/6 की। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई है, जैसे यहां पर करिए वैसे वहां पर करो। देखो 6 से x करोगे कितना आ जाएगा, 6x, प्लस 6 से 3 की करो, 6 × 18, और 5 से y करो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 15। अब बताओ इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है, आगे सोल्व करो। फिर से बेसिक, 6x ऐसे लिखाओ, देखो 6x ऐसे लिखा, इधर प्लस का 5y, इधर खींच के माइनस का 5y हो जाएगा, इधर कौन है, 15, इधर प्लस का 18, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का लिख दो, तो 6x माइनस के 5y इक्वल टू कितना बचा, माइनस के 3 बचेगा। इसको कह दो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ये क्या है, समीकरण नंबर 2 आ गई है। अब देखो दोनों को कैसे हल करोगे, समीकरण 1 और 2 को कैसे हल करोगे, y के मान पूरे कर लो। समीकरण 1 में कर दो किससे, 5 से गुणा, समीकरण 2 में कर दो किससे, 9 से गुणा। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे, 5 से गुणा, 5 से गुणा, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किससे कर दें, 9 से, 9 = 45 कर देगा,
नौ से गुणा करने पर, नौ से गुणा करने पर। तो ध्यान से देखो, समीकरण एक में किससे गुणा कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं किससे, पांच से, पांच से गुणा करो। देखो ग्यारह पंजे पचपन, तो पचपन एक्स कर दिया इसमें, ग्यारह पंजे पचपन एक्स कर दिया, बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें। करो पांच से, पांच नौ पैंतालीस, पैंतालीस वाई कर देगा, पैंतालीस वाई कर देगा इधर, कोई प्रॉब्लम इधर आगे करो, पांच से गुणा कर रहे हैं ना, तो पांच चौक बीस माइनस के कर देगा, कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे कर दो नौ से, नौ छक्का चौवन कर देगा, नौ छक्का चौवन माइनस नौ पंजे पंजे पैंतालीस वाई कर देगा यहाँ पे, ठीक। अब नौ से इसमें कर दो, नौतिया सत्ताईस, नौतिया सत्ताईस, इन दोनों समीकरणों को सोल्व करो। देखो ध्यान से कैसे करोगे, ध्यान से देखें, ये पचपन एक्स है, ये चौवन एक्स है, समीकरण एक को घटा दो, देखो ऊपर वाले घटाएंगे नीचे वाले को, तो तुम नीचे वाले घटाओ, देखो माइनस, ये माइनस माइनस कर देगा प्लस, घटा रहे हम इसको, इसको घटाओ, माइनस माइनस कर देगा प्लस। देखो पचपन एक्स में से चौवन एक्स निकाले, एक एक्स बचेगा, ये माइनस का, ये प्लस का बन गया, क्या बन गया, ये प्लस का बन गया। अब देखो प्लस के सत्ताईस में से बीस निकालने कितने बचे, सात, तो एक्स का मान कितना आ गया, सात, एक्स का मान सात, तो एक्स का मान कहाँ रख दें, देखो एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण इसमें रख दें, एक में रखने पर, एक में रखने पर, एक है मेरे पास, कौन सी, ये क्या है, यहां पर है तुम्हारे पास, कितना है, ग्यारह एक्स माइनस के नौ वाई, और बराबर में कौन है, माइनस का चार, ग्यारह इंटू एक्स का मान कितना आया है, सात, कितना आया है, सात, माइनस नाइन वाई, इधर कौन है, माइनस के चार। अगर सोल्व करें इसी तरीके से, क्या करोगे, देखो ग्यारह सत्तर सतहत्तर कर दिया इसने यहाँ पे, माइनस के नाइन वाई, इधर कौन है, माइनस के चार, माइनस के नाइन वाई ऐसे लिखो, माइनस के चार ऐसे लिखो, इधर प्लस का सतहत्तर है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का सतहत्तर हो गया। देखो माइनस के नाइन वाई इधर है, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास सतहत्तर और चार कितने हो गए, इक्यासी, किसके होंगे, माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, और नौ नम इक्यासी, नौ बार काटा इसने, तो वाई का मान कितना आ गया, नौ। तो हमारे पास भिन्न आ चुकी है, तो देखो भिन्न क्या लिखोगे, यहाँ पर हमारे पास भिन्न आ चुकी है, सवाल में पूछा कि भिन्न क्या है, देखो भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न है मेरे पास क्या है, एक्स अपॉन वाई, भिन्न क्या मानी है, एक्स अपॉन वाई, तो एक्स का मान क्या आया है, एक्स का मान आया है सात, कितना आया, सात, वाई का मान कितना आया है, नौ, कितना आया है, नौ, यही हमारे आंसर है। ये बात आई थी समझ में, कैसा करा, देखो देखो ग्यारह सत्तर सतहत्तर माइनस के नौ वाई, इधर कौन है, माइनस के चार, देखो इधर प्लस का सतहत्तर, उधर का माइनस का हो गया था, अब माइनस के नौ वाई बचा, इधर कौन बचा, माइनस के इक्यासी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, और नौ नम इक्यासी, नौ बार काटेगा तो वाई का मान इस तरीके से नौ आया है, ठीक। अब लो इसका स्क्रीनशॉट, देखो दूसरा सवाल क्या है, इसको हल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि 2x प्लस के 3y बराबर कितना है, 11 है, ये इक्वेशन बना रखी है। 2x माइनस के 4y बराबर कितना है, माइनस के 24 को हल कीजिए, इसमें दो समीकरण हैं, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर, जिसके लिए क्या होगा, y बराबर क्या होगा, mx प्लस के 3 हो, इसमें तुम्हें किसका मान चाहिए, एम का। तो कैसे निकालेंगे वो सुने, देखो इन समीकरणों को हल कर दें, देखो सॉल्यूशन कैसा होगा इसका, सॉल्यूशन देखें इसका, हल कैसा करेंगे, इसमें दो समीकरण दे रखी हैं, 2x प्लस के 3y बराबर कितना है, 11 है, 2x माइनस के 4y बराबर कितना है, माइनस के 24 है, इन दोनों समीकरणों को लिख लो। समीकरण है मेरे पास 2x प्लस के 3y बराबर है 11, ठीक, इसको कहते हो समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर है कितना है, 2x माइनस के 4y बराबर कितना है, माइनस के 24, माइनस के 24। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तुम क्या करोगे, समीकरण एक और दो को हल कर दो, तो तुम कैसा हल करोगे वो सुनो, देखो इसमें तुम डायरेक्ट हल कर सकते हो, कैसे हल करोगे सुनो, देखो अगर मैं इसमें माइनस से गुणा कर दूं, देखो माइनस प्लस माइनस, इसमें माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, इसमें माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस के जैसे क्या होते हैं, कट जाते हैं, ये प्लस का या माइनस का कैंसिल, देखो ये प्लस का चार वाई बन गया है और प्लस का तीन वाई है, तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, हो जाएंगे कितने, सात वाई, कितने हो गए, सात वाई, और ये प्लस का 24 है, ये प्लस से 11 कितना हो जाएंगे, 35, 35 हो गए, सात पंजे 35, वाई की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, पांच आ गई। अब क्या करोगे, अब लिखो वाई का मान कहाँ फिट कर दें, वाई का मान, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख दो, एक में कैसे रखेंगे देखो वो ध्यान से, एक मेरे पास कितनी है, पर 2x प्लस के 3y
बराबर कितना है 11, कितना है 11, समीकरण एक है ये, और एक में क्या रख रहे हैं हम, किसका बाई का मान, देखो 2x ऐसे लिखा प्लस 3 इंटू बाई का मान कितना है, बाई का मान है कितना 5, इधर कौन है 11, अगर सोल्व कर दो कैसे करोगे, देखो देखो 2x ऐसे लिखा मैंने, 2x ऐसे लिखो, और इधर कौन है देखो 5 से कितना कर देगा 15, कितना कर देगा 15, इधर कौन है 11 है, कितना है 11 है, अगर सोल्व करो 2x ऐसे लिखो, इधर कौन है 11, इधर प्लस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसका हो गया माइनस का, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 11 में से 15 निकाल दे कितना बचा माइनस का 4, देखो 2 दुनी 4, x का मान कितना आ गया माइनस के 2, कितना आ रहा माइनस के 2, तो हमारे पास इसका y का मान 5 और x का मान कितना आ गया 2। अब यहाँ पर पढ़ो ध्यान से, y बराबर mx प्लस के 3 हो तो यहाँ पर तुम्हारे पास y का मान दे रखा कितना mx प्लस के 3, क्या दे रखा mx प्लस का 3, बाई का मान देखो कितना आया है, कितना आया है 5, तो बाई की जगह बाई का मान रख दो 5, ठीक, मुझे m का मान चाहिए, m ऐसे लिखो, x का मान रख दो, x का मान कितना माइनस के 2, प्लस का कौन है 3, 5, इधर प्लस का 3 है, इधर खींच के किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का, 2 से m की गुणा करेंगे तो माइनस के 2m हो जाएगा, माइनस के 2m, 5 में से 3 निकालना है कितना बचेगा 2 बचेगा, इधर कौन बचे तुम्हारे पास माइनस के 2m, मुझे m का मान चाहिए, देखो माइनस के 2m है, इधर कौन है तुम्हारे पास 2 है, मुझे इस m का मान चाहिए, m का मान कैसे निकलेगा, गुणा की संख्या बटे में आएगी, 2 के बटे में माइनस के 2 आ जाएगा, जब माइनस से प्लस को काटते हैं तो माइनस प्लस माइनस को होता है 2 का ना 2, तो माइनस के एक बार काटेगा तो m बराबर आ गया माइनस का 1, m बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास माइनस का, m बराबर क्या आ गया तुम्हारे पास माइनस का 1, तो इस तरीके से तुम इसमें m का मान निकाल सकते हो। सवाल में ये तो पूछ रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m बराबर mx प्लस के 3 हो, तो m बराबर तुम्हें लेकर आना था माइनस के 1, तो माइनस का 1 यहाँ पर फिट कर दोगे तो mx प्लस के 3 के बराबर बैठेगा, ये कौन y का मान, और y का मान कितना आया है हमारे पास 5 आया है, देख लो किसका आंसर करेक्ट वाला आया है, सही। तीसरा सवाल कैसे हल करोगे वो देखो, सवाल ये है कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, दो कंडीशन इसमें दे रखी है, विलोपन से हल करना है, प्रतिस्थापन से हल करना, तब जाके ये पूरा 6 नंबर का सवाल है। तो हम पहली कंडीशन हल करते हैं किससे, विलोपन से, तो तुम किससे हल करोगे, विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि होती क्या है पहले तो ये समझो, देखो विलोपन विधि से क्या करेंगे, विलोपन विधि में तुम्हें दो समीकरण दे रखी होती है, उन समीकरणों के मान पूरे करने होते हैं, और मान पूरे करने के बाद में काट देते हैं और आंसर आ जाता है, तो ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है, ध्यान से देखें, अगर मैं समीकरण एक में, इस एक में अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो ये 3y हो जाएगा, ये भी 3y हो जाएगा, प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा, तो तुम यहां पे लिखोगे समीकरण एक में, समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर मान बराबर हो जाएंगे आंसर आ जाएगा, तो समीकरण एक में 3 से गुणा करते हैं तो देखो कैसा करेंगे, जब x में 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो गया, जब y में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, इधर कौन है 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, इसको ऐसे लिख लें 2x माइनस के 3y को ऐसे लिखा बराबर कौन है 4, इसको कैलकुलेट करेंगे देखो कैसे, प्लस माइनस की एक जैसे क्या होते कट जाते हैं, काट दो इनको, ये प्लस का ये माइनस का कट, 3x और 2x कितने ऐसे हो गए 5x हो गए, इधर कितना हो गया देखो 15 भी किसका है, 15 और 4 कितने हो जाएंगे जोड़ देंगे दोनों प्लस प्लस के हैं तो 19 हो जाएंगे, मुझे x का मान चाहिए, ये गुणा में इसके बेटे में आ जाएगा, मतलब 19 के बेटे में कौन आ जाएगा 5, तो एक मान हमारे पास आ गया x का, इसी तरीके से y का मान निकाल लो, देखो y का मान कैसे निकालो, तुम लिखोगे x का मान, x का मान समीकरण किस में रख दें एक में रखने पर, अगर तुम दो में भी रख दोगे तो भी हो जाएगा, एक में रखने पर, रखने पर एक है मेरे पास, ये है कि समीकरण कौन है x प्लस के y बराबर कितना है 5 है, इस समीकरण में इसका मान फिट कर रहे हैं, देखो x का मान कितना है 19 बटे कितना है 5, y का मान मुझे चाहिए इधर कौन है 5 है, देखो y का मान निकालने के लिए क्या करोगे, इधर प्लस का उधर खींच के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया 19 बटे 5, अब ये बेसिक कैसे हल करोगे, देखो y का मान निकालने के लिए क्या करोगे, 5 पंजे 25 में से कितना 19 निकाल दो कितना बचेगा 6 बचेगा,
25 में से 19 निकाले, 6 बचे, नीचे कौन है 5, तो इस तरीके से बाई की वैल्यू आ गई। समझ में आया, थोड़ा शॉर्ट है। देखो 5 × 5 = 25 और ये माइनस के उधर 19 होगा, तो 25 में से 19 निकालेंगे कितने बचेंगे 6, और बटे में कौन है 5, तो इस तरीके से बाई का मान आ गया। ये हमने कौन सी वाली कंडीशन हल करी है, विलोपन विधि से। आप करोगे प्रतिस्थापन से। देखो जिससे प्रतिस्थापन विधि नहीं आती वो ध्यान से देखें, तो हम सेकंड वाली कंडीशन क्या है उसको देखें। अब तुम्हें हल करना है किससे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से जो प्रतिस्थापन विधि है वो कैसे हल होती है वो देखो ध्यान से। देखो ये दोनों समीकरण है, इन समीकरणों को कैसे हल करोगे, तो समीकरण पहले इन समीकरणों को लिख लें। इसके लिए समीकरण मेरे पास कौन कौन है, एक है x प्लस के y बराबर कितना है 5 है, दूसरी है 2x माइनस के 3y बराबर कितना है 4 है। अब देखो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लिखोगे, यहाँ पर तुम लिखोगे समीकरण एक को हल करने पर इस समीकरण को हल कर दें, फिर इसको हल कर दें, आंसर आ जाएगा। तुम लिखोगे समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करने पर, हल करने पर। अब समीकरण एक कैसे हल होगी वो देखें ध्यान से। देखो मैं अगर एक को हल करना चाह रहा हूँ, मुझे चाहिए इसमें किसका, मान लो x का मान चाहिए, समीकरण एक में से x का मान चाहिए, तो इधर प्लस का y, इधर जाके माइनस का, तो 5 माइनस के y हो जाएगा। अगर मुझे x का मान निकालना, समीकरण अगर मैं इस एक को हल करूंगा, मुझे x का मान चाहिए, तो इधर प्लस का y, इधर जाके माइनस का। अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे, दूसरी में, क्योंकि पहली वाली को तो हल करके ही आया है। अब इस x का मान समीकरण दो में तुम्हें रखना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आएगा। अब लिखोगे x का मान समीकरण इसमें, इस दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो है वो लिख लो इसको यहां पर। समीकरण दो है मेरे पास, 2x माइनस के 3y बराबर कितना है 4 है। ध्यान से देखो तू ऐसे लिखा है, x की वैल्यू क्या है 5 माइनस के y, x की वैल्यू वाली फिट कर दी, ठीक। इधर कौन है माइनस का 3y, इधर कौन है 4 है, ठीक। अब सोल्व करो, देखो 2 × 5 = 10, इससे इसी गुणा करोगे माइनस के 2y, माइनस के 3y, इधर कौन है 4, बताओ। 2 × 5 = 10, 2 × 2 देखो 2 से y गुणा करोगे 2y आ जाएगा, इधर कौन है माइनस के 3y, ये वाले इधर कौन है 4। अब बेसिक है, माइनस के 2y और माइनस के 3y कितने होंगे, माइनस के 5y, क्या हो जाएगा माइनस के 5y हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा 5y, इधर कौन है तुम्हारे पास 4। अब क्या बताया, संख्या संख्या उठा के एक तरफ भेजते हैं, तो ध्यान से देखें इधर कौन है माइनस के 5y है, ये 5y है, इधर प्लस का 10 है, उधर जाके माइनस का, तो 4 में से 10 घटेगा उधर को जाके माइनस के 5, इधर कौन बचेगा माइनस के 6, भाई 4 में से 10 निकालेंगे माइनस के 6 बचेंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर देगा, वाई का मान मुझे चाहिए तो कितना आएगा 6/2, गुणा की संख्या बटे में आएगी। अब मैच कर लो इसके आंसर, देखो आंसर तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। अगर हमने विलोपन से हल करे हैं तो x का मान ये आया है, क्या आया है 19/5। अगर हमने प्रतिस्थापन से हल करा है तो प्रतिस्थापन से जो x का मान आया वो अभी आया नहीं है, अभी y का आया ना। अब तुम ये देखो y का मान इसको रखोगे समीकरण नंबर 3 में, इसको 3 मानना पड़ेगा तुम्हें। अब y का मान किस में रखोगे, 3 में, y का मान मैच कर सकते हो। देखो y का आया है 6/5, कितना है 6/5, ये आ गया सेम टू सेम। अब क्या लिखोगे, अब तुम लिखो यहाँ पे y का मान तुम रखोगे किसमें, समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में कैसे रखोगे वो सुनो आप, देखो y का मान हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 3 में। अब इसको समझो, देखो यहाँ पे काफी जगह हो चुकी है, y का मान रख दे यहाँ पे। समीकरण 3 है मेरे पास, x बराबर 5 माइनस के y, और x का मान मुझे चाहिए 5 माइनस के y का मान कौन है 6/5, 6/5। अब सॉल्व कर दो, 5 × 5 = 25, और माइनस के कौन है 6, इधर कौन है 5, नीचे एक होगा ना, 5 का ना 5 रह जाएगा, 25 में से 6 निकालें कितना बचेगा 19, बटे में कौन है। अब मैच कर लो, देखो तुम्हारे पास जो x का मान आया था पहले कितना आया था 19/5, तो कितना आ गया 19/5। तो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से इस तरीके से हल कर सकते हो। अब ये पूरा सवाल हो चुका है और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, काफी इंपोर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। तो सवाल ये है, सवाल क्या है, सवाल है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, किसमें अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, तो भिन्न किसमें चेंज हो जाती है, एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करनी है।
तो इस टाइप का सवाल एक ना एक आ जाता है और पिछले साल भी आ चुका है इसमें का सवाल। तो सवाल देखें कैसा सोल्व करोगे इसमें। देखो इसका जो सोल्यूशन करोगे आप क्या करोगे, पहला सवाल को पढ़ो ध्यान से, इसमें क्या है भिन्न है तो तुम्हें इसमें भिन्न माननी पड़ेगी। माना माना भिन्न बराबर, तो तुम मानोगे इसके अंदर क्या मानोगे, माना भिन्न बराबर, इसमें अगर तुम भिन्न मान लो क्या एक्स अपॉन बाई, एक्स अपॉन बाई। अब जैसे जैसे सवाल बोला वैसे वैसे इसके मान फिट कर दो, कैसे करोगे वो देखो। अब लिखोगे तुम इसमें प्रश्न अनुसार, क्या लिखोगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न अनुसार का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे कर दो। देखो कैसे करोगे, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो देखो ये हमने अंश में एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दें तो हर में से हमने क्या घटा दिया एक, अंश में मतलब एक्स में एक जोड़ दिया और हर में क्या घटा दिया एक घटा दिया है, तो क्या होता है भिन्न एक में बदल जाती है, तो बराबर में लिखोगे एक। तो कंडीशन तो पहली वाली यह है कि भिन्न किस में बदल दिए एक में बदल जाती है। अब इसको अपने बेसिक से हल करो, कैसे हल करोगे देखो, एक्स प्लस वन को मैंने ऐसे लिखा ये बटे में इसके गुणा में जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये बटे में तो इसके गुणा में जाएगी तो क्या हो जाएगा बाई माइनस के वन, मतलब एक से गुणा करेंगे तो वही आ जाता है। फिर क्या बताया तुम बेसिक में कि एक्स एक्स से मान उठाकर एक तरफ, संख्या संख्या उठाकर एक तरफ, एक्स इधर ऐसे ही रहने तो इधर प्लस का वाई इधर खींच के माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का वाई है तो इधर खींच के क्या हो जाएगा माइनस का वाई हो जाएगा, इधर कौन है माइनस के वन, इधर प्लस का वन है उधर जाके माइनस के वन हो जाएगा। तो आगे क्या होगा देखो, एक्स माइनस के वाई बराबर कितना आया माइनस के वन, माइनस के वन माइनस के टू, क्या आ जाएगा माइनस के टू आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास एक्स माइनस वाई का मान आ चुका है। और आगे सोल्व करो, आगे कैसे सोल्व करोगे देखो, आगे कंडीशन क्या है, यदि हर में एक जोड़ दें, यहाँ पर सवाल ये है कि यदि हर में एक जोड़ दें, मतलब हर क्या मेरे पास बाई और बाई में क्या जोड़ दें एक जोड़ दें, तो भिन्न किस में चेंज हो जाती है, भिन्न हो जाती है चेंज एक बटे दो में। फिर बेसिक है देखो, इससे इसकी गुणा करोगे तो टू एक्स हो जाएगा, इससे इसकी गुणा करोगे तो बाई प्लस के वन ऐसे रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। तो टू एक्स इधर प्लस का वाई इधर खींच के क्या हो जाएगा माइनस के वाई, इधर कौन है तुम्हारे पास प्लस का वन, क्या है प्लस का वन। इसको क्या दो समीकरण नंबर दो, क्या हो गए समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक और दो को हल कर दो, समीकरण एक और दो को हल करने पर अब लिखोगे समीकरण एक व दो को हल करने पर, हल करने पर। तो समीकरण एक और दो को हल कैसे करोगे वो देखो ध्यान से, एक है मेरे पास x माइनस के बाई बराबर कितना है माइनस के दो, एक है टू एक्स माइनस के बाई बराबर कितना है वन, कितना है ये वन है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं समीकरण एक में देखो, इसमें ये समीकरण एक है, ये वाली समीकरण क्या है एक है, ये समीकरण क्या है दो है, एक और दो को हल कर रहे हैं तो समीकरण ये एक है ये क्या है दो है। समीकरण एक में क्या करेंगे वो देखें, समीकरण एक और दो को अब तुम सोल्व कर दो, कैसे सोल्व करोगे देखो, इसमें माइनस से गुणा कर दें, देखो इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये प्लस का वाई है माइनस का कट, दो एक्स में से एक एक्स निकालेंगे तो एक एक्स बचेगा और प्लस का दो प्लस का एक कितना हो जाएगा प्लस का तीन, एक्स का मान कितना आ चुका है तीन आ चुका है। अब एक्स का मान कहाँ फिट कर दें, एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण कहाँ रख दें, समीकरण इस एक में रख दें या दो में रख दें कहीं भी रख दें, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर समीकरण एक क्या मेरे पास ये रही कितनी है एक्स माइनस के वाई, क्या है एक्स माइनस के वाई बराबर कितना है माइनस के दो, और समीकरण एक का मान कितना है तीन आया है तो यहाँ पर रख दोगे कितना तीन, यहाँ पर क्या रखोगे तीन एक्स जगह माइनस के वाई बराबर कौन है माइनस के दो, माइनस के वाई ऐसे ही बचेगा इधर माइनस के दो, इधर प्लस का तीन उधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का, इधर का प्लस का तीन और जाएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस का हो गया तीन, तो माइनस के बाई बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास माइनस के फाइव, तो माइनस से माइनस कैंसिल तो बाई का मान कितना आ गया पांच, कितना आ चुका है पांच। अब भिन्न आ चुकी है, देखो भिन्न क्या मानी हमने, ये मानी है भिन्न हमने जो मानी है इसमें जो फ्रैक्शन बनी है, फ्रैक्शन है तुम्हारे पास कितनी है, यह है एक्स अपॉन बाई और एक्स का जो मान आ चुका कितना आ चुका तीन आ चुका, वाई का कितना आ चुका पांच, और यही हमें चाहिए था, यही क्या इसकी भिन्न है। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। देखो क्लास टेन का मैथ्स है ये, क्लास टेन के मैथ्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज है ये, सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए निकाले गए हैं। क्वेश्चन क्या कि क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसकी हिंदी अगर आपको समझ में आ जाती है तो आराम से पूरा सवाल सॉल्व कर सकते हैं।
ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब देखो सवाल यह है, मान लीजिए नदी चल रही है, इस नदी में क्या हो रहा है, ये पानी चल रहा है, इस पानी के अंदर क्या हुआ है वो देखें। यहाँ पे एक ये धारा की दिशा है और मान लो यहाँ पे क्या है, एक ऋतु है जो तैर रही है। अगर ये पानी के साथ साथ इधर को तैर रही है तो उसको बोलेंगे अनुकूल, अगर पानी के विपरीत दिशा में तैर रही है इधर को तो उसको बोलेंगे प्रतिकूल। तो यहाँ पर यही बात समझनी है, अगर तुम पानी के साथ साथ इधर को तैरोगे तो वो क्या होगा, अनुकूल, अगर पानी के विपरीत दिशा में तैरोगे तो वो होगा प्रतिकूल। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, 2 घंटे में एक बार तो ये 20 किलोमीटर तैरते हुए जा रही है, मतलब पानी साथ में लेकर जा रहा है, पानी साथ में इधर को तैरा रही है, और यहाँ पर क्या है 2 घंटे में प्रतिकूल, मतलब पानी इधर को जा रही है इधर को आ रही है, तो पानी इसको वापस इधर को खींचेगा, तो यहाँ पर दूरी इससे कम कवर हो रही है, कुल 4 किलोमीटर हो रही है। अब यहाँ पर तुम लिखोगे माना, माना ऋतु की चाल, हमने ऋतु की चाल हमने क्या कह दिया, एक्स किलोमीटर पर घंटा, ऋतु चल रही है एक्स किलोमीटर पर घंटा पे, इतनी स्पीड से दौड़ रही है। धारा की चाल मान लो, यहाँ पर धारा की चाल, धारा की चाल हमने मान ली है 22 किलोमीटर पर घंटा, ठीक। अब यहाँ पे जैसे जैसे बोला गया प्रश्न अनुसार कर दें, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कैसे कैसे करेंगे वो सुने ध्यान से। देखो एक फॉर्मूला था, समय बराबर दूरी बटा क्या होती है, चाल होती है, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। अब देखो समय कितना लग रहा है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो टाइम है 2 घंटे, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, तो 20 रखो ऊपर, चाल कितनी है, कैसी है, अनुकूल, अनुकूल में तुम्हारी ऋतु की चाल और धारा की चाल जुड़ेगी। क्यों, देखो मान लो यहाँ पर कि ऋतु है, ये इधर को जा रही है, पानी के साथ साथ बह रही है, तैर रही है, तो इसकी खुद की चाल भी जुड़ेगी, और जो पानी इधर को लेके जा रहा है इसको, तो पानी की चाल भी जुड़ेगी, दोनों की स्पीड मिलकर क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, तो मतलब जुड़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान पर रख लो कि अनुकूल का मतलब यहाँ पर जुड़ जाएगी x प्लस के y। अब यहाँ पर बेसिक है, x प्लस y का मान मुझे चाहिए, ये बटे में इसके गुणा में जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा, तो x प्लस के y बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 20/2 आ जाएगा, मतलब x प्लस y से 2 की गुणा करोगे यहाँ पर पहुंच जाएगा, फिर 2 नीचे को आ जाएगा, इससे इसको कट कर दो 10 बार कटेगा, तो यहाँ पर क्या हुआ है तुम्हारे पास x प्लस y का जो मान कितना आ गया है, 10 आ गया है, इसको बोल दो समीकरण नंबर 1, ये कहते हैं हमने समीकरण नंबर 1। अब दूसरे वाली कंडीशन हल करो इसी तरीके से, फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल का, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ध्यान से देखो आपका समय कितना लग रहा है, 2 घंटे, तो यहां पर 2 घंटे रख दो, बराबर दूरी कितनी है, दूरी आपका कुल है 4 किलोमीटर, तो 4 रख दो, चाल कितनी है, चाल है प्रतिकूल में, प्रतिकूल में इसका मतलब यह है कि ये पानी के साथ साथ इधर को आपका नहीं बह रही है, तैर रही है, आपका उल्टी दिशा में आ रही है, मतलब पानी इधर को जा रहा है, खुद इधर को आ रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि x माइनस के y हो जाएगा, ठीक, आपका घट जाएगी, तो आगे सोल्व कर दें, x माइनस के y इसकी जगह चला जाएगा और 4 के बटे में आ जाएगा, 2 से इसको कट कर दें, कितनी बार, 2 बार कटा, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि x माइनस वाई का जो मान आया है वो कितना आ गया तुम्हारे पास, 2 आ गया है, कितना आ गया है, 2, इसको क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दें, ये तुमसे करना आता ही है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर 1 और 2, देखो समीकरण 1 क्या है मेरे पास, ये है कि x प्लस के वाई बराबर कितना है, 10 है, और 1 है x माइनस के वाई बराबर कितना है, 2 है, इसको हल कर देंगे, आसान है, ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो गया, 12, इसे इसको कट कर दो, 2 × 12, एक्स का मान कितना आ गया तुम्हारे पास, 6, कितना आ गया, 6, मतलब ऋतु की जो चाल है वो एक्स किलोमीटर पर घंटा, मतलब 6 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसकी आ गई 6 किलोमीटर पर घंटा, किसकी, एक्स की आ गई है, तुमने एक्स का मान निकाल लिया, आप लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर तुम 1 में रख दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो 1 है हमारे पास, ये रही क्या है, 1 है तुम्हारे पास, वो देखें x प्लस के y बराबर कितना है, 10 है, और
x का मान हम निकाल चुके हैं कितना है 6 है, तो x की जगह x का मान रख दो यहाँ पर 6 रख देंगे, प्लस के y बराबर कितना 10, y का मान मुझे चाहिए तो 10 इधर प्लस का 6 उधर जाके माइनस का, तो y का मान कितना आ गया तुम्हारे पास 4 किलोमीटर पर घंटा। तो तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर आया, ऋतु की चाल आ गई 6 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर पर घंटा। तो लास्ट में तुम ये लिख सकते हो कि ऋतु की चाल बराबर कितनी है 6 किलोमीटर पर घंटा। अगर इसकी हिंदी लिख सकते हो यहाँ पे, इसकी हिंदी यही लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी तुम लिखोगे ऋतु की चाल, क्या है ऋतु की चाल, ऋतु की चाल एक्स बराबर कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल यहाँ पे लिखते हैं धारा की चाल, धारा की चाल पाई बराबर कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर घंटा। तो ये इसका फाइनल आंसर है ये वाला, इस तरीके से सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक, देखो सॉल्यूशन देखो नेक्स्ट वाले सवाल का कैसा करोगे, पहले इसकी हिंदी समझो, हिंदी देखो ध्यान से, दो संख्याओं का अंतर कितना 26 है, दो संख्याएं अगर उनको तुम अंतर चेक करोगे कितना है 26 है, जैसे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली वाली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो इसकी हिंदी लिखना सीखो, हिंदी कैसे लिखोगे, तो इसमें तुम्हें मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, अगर हमने पहली संख्या इसकी क्या कह दी है एक्स है, तो दूसरी हम कह देंगे इसमें वाई है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमने कह दी इसके अंदर क्या है वाई है। अब यहां पर बोला गया है देखिए प्रश्न अनुसार करते हैं इसको, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार कैसा होगा वो देखें, जैसे जैसे प्रश्न बोला वैसे वैसे कर दो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कंडीशन ये है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या की कितनी गुनी है वो है 3 गुनी, 3 गुनी का मतलब 3 से गुणा हो जाएगी, एक संख्या क्या है इसमें एक्स है, मतलब पहली संख्या क्या है एक्स है, तो यहां पर तुम क्या रखोगे एक्स रख दो, एक संख्या की जगह रख दोगे एक्स, दूसरी संख्या क्या बाई है बाई, और इसकी गुणा किससे करोगे 3 से, तो यहां पर एक्स बराबर आ जाएगा 3 बाई, क्या आ जाएगा एक्स बराबर 3 बाई, इस तरीके से एक्स का मान आ गया। अब एक्स का मान आ गया है और दोनों संख्याओं का जो अंतर है, अंतर लिख दो इसका, अंतर है एक्स माइनस बाई, पहली संख्या में से दूसरी संख्या अंतर कर दो, एक्स माइनस के बाई वाला कितना है 26 है, कितनी है 26, इसको कह दो समीकरण नंबर 1, इसको कह दो समीकरण नंबर 2। यहां पर ध्यान से देखें, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहली वाली जो संख्या x है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी है, तो एक संख्या x हमने ऐसे रखा, दूसरी संख्या y है, 3 गुनी का मतलब 3 से गुणा हो जाएगा तो 3y हो गया, इसको कह दो समीकरण नंबर 1 है, और दूसरी समीकरण कहां से आ गई है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना 26 है, मतलब x में से y घटाओगे तो कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दो, देखो x का मान, समीकरण 1 का मान किस में रख दें 2 में रख दें, ये अपने ऐसा लिख सकते हो कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो 2 क्या है, 2 जो है मेरे पास समीकरण क्या है वो देखें, देखो दूसरी है x माइनस के y बराबर कितना है यहाँ पे 26 है, देखो x की जगह x का मान लगा दो x का मान कितना 3y, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3y, माइनस के y इधर कौन है 26, तो 3y में से y निकाल दें कितना बचा 2y, इधर कौन है हमारे पास 26 है, 2 से कट कर दें 13 बार कटेगा, y का मान कितना आ गया 13 आ गया है। अब हमारे पास y का आ गया, x का निकाल दें, y का मान किस में रख दें समीकरण 1 में रख दें, तो x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक मेरे पास क्या है एक्स बराबर 3y है, एक्स बराबर कितनी है 3y है, तुम लिखोगे एक्स बराबर कितना है 3y, एक्स का मान मुझे चाहिए 3 × y का मान कितना है 13, कितना है 13, तो एक्स का मान आ गया 13 × 39, इसमें तुम्हें यही याद करना था कि y का मान निकाल, तो y का मान कितना आ गया 13 और x का मान कितना आ गया, x का आ गया 39, कितना आ गया 39, अगर तुम इसका अंतर चेक करोगे तो कितना आ जाएगा 26, 39 में से 13 निकाल दो 26 बच जाएगा, तो यही इसका आंसर है और दे सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ देखो नेक्स्ट वाला सवाल कैसे सोल्व करेंगे, सवाल को देखियो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप, सारे इसकी जो हिंदी है वो समझो, दो व्यक्ति की जो आय है, आय का मतलब कमाई होती है, आय का जो अनुपात है 9:7 है,
और उनके खर्चों का अनुपात है 4:3। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपए की बचत करता है, मतलब बचा लेता है, इसका मतलब यह है कि कमा ज्यादा रहा होगा, खर्च कम कर रहा होगा, तभी तो बच रहे हैं पैसे, 2000 रुपए बचा लेता है, तो उनकी क्या करनी है, मासिक आय ज्ञात करनी है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखो सवाल हल कैसा होगा वो सुनो, इसके सॉल्यूशन में तुम्हें करना क्या है ध्यान से समझियो। यहां पर क्या है, यह आय है, आय का मतलब क्या होती है, कमाई। तो दो व्यक्ति हैं, तुम मानोगे इसमें, माना पहले व्यक्ति की आय हमने कह दिया, यहां पर पहले व्यक्ति की आय है, हमने कह दिया 9x, ठीक 9x। अगर हम आय इसकी x मानेंगे तो यहां पर अनुपात में कौन दे रखा, 9, तो 9 से गुणा कर दी, 9x इसकी क्या है, आय है, इतनी कमाई है। दूसरे व्यक्ति की जो आय है, दो व्यक्ति ना, तो दूसरे व्यक्ति की आय क्या होगी, 7/2। तुम यहां पर लिखो दूसरे व्यक्ति की आय, अभी आय की बात हो रही है, आय मतलब इनकी कमाई, कितनी कमाई हो रही है दूसरे वाले को, कितनी है, 7x, दूसरे वाले की 7x हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो भगवान, और यहाँ पे इनके खर्चों को जो अनुपात है कितना है, 4:3 है, 4:3, तो यहाँ पर खर्च कितना है, तो तुम लिखोगे पहले व्यक्ति का खर्च, इसमें क्या लिखोगे, पहले व्यक्ति का खर्च हम यहाँ पर मान लें 4y, कितना है 4y, दूसरे व्यक्ति का हो जाएगा कितना, 3y, दूसरे व्यक्ति का खर्च, दूसरे व्यक्ति का जो खर्च है कितना है, यहाँ पर 3y है, कितना है 3y। अब प्रश्न अनुसार कर दें, अब यहाँ पर बात समझने की, यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रश्न अनुसार अब एक बात बताओ, जितनी भी कमाई कर रहा है उस कमाई में से इसका खर्चा निकालने तो बचत बचेगी। पहले व्यक्ति ने जो कमाई करी है वो करी है 9x की, तो पहले व्यक्ति की जो आय है वो 9x है, और पहले व्यक्ति की जो खर्च है वो कितना है, 4y है, मतलब मुझे घटाना पड़ेगा। और प्रश्न अनुसार में क्या लिखोगे, अगर इसकी आय में से इसकी जो आय है 9x है और खर्चा कितना है इसका, 4y है, तो कितने रुपए बच रहे हैं इसके, 2000 रुपये, इसको बोलो समीकरण नंबर 1। दूसरे वाली कंडीशन में क्या है कि दूसरे व्यक्ति की जो आय है वो है 7x और खर्चा कर रहा है कितना, 3y का, और ये भी कितने रुपए बचा रहा है, 2000 रुपये, इसको कह दो समीकरण नंबर 2। अब यहां से बेसिक है, ये तुमसे आता ही है, यहां पर तुम क्या रखोगे वो सुनो। देखो कोई से भी समीकरण को पूरा कर लो, एक्स के मान पूरे कर लो या वाई के, तो यहां पर देखो अगर मुझे एक्स का मान पूरा करना है या वाई का करना है, तो अगर मैं वाई का पूरा करना चाहूं तो यहां पर किससे गुणा कर दूंगा मैं, 3 से, और यहां पर कर दूंगा 4 से, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा, लिख दो यहां पर समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में किससे गुणा कर दें, 4 से गुणा, 4 से गुणा करने पर, ठीक गुणा कर दें इसकी, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर रहे हैं, तो 3 से गुणा करो इसकी, कितना हो जाएगा, यहां पर कर देते हैं, देखो 3 से कर रहे हैं यहां पे, तो 9 × 3 = 27 कर देगा, 9 × 3 = 27, 3 से इसमें करो, 3 × 4 = 12 कर देगा, माइनस के 12y, 3 से कर दो 2000 में, तो कितना हो जाएगा, 6000, कितना हो जाएगा, 6000, और समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा कर रहे हैं, तो 7 × 28 कर देगा, ये हो जाएगा 7 × 28x, माइनस 4 से इसमें कर रहे हैं 3y में, तो 4 × 12y ये कर देगा, इधर 4 × 12y, 4 से कर रहे हैं तो 4 × 2 = 8, यहाँ पे 8000 कर देगा, ये 8000 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो घटा दें पर वाले को, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 28x में से 27x निकाल दो, कितने x बच गए, 1x बराबर, ये प्लस का बन गया, ये माइनस का बन गया, प्लस माइनस के कट जाते हैं, इधर कौन बचा, देखो ये माइनस का हो गया है, 8000 में से निकालना है कितने, 6000, तो बच गए कितने, 2000 रुपये। तो यहां पर से एक्स का मान आया कितना, आ गया 2000 रुपये आया है। सवाल यह है कि तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, महीने की आय कितनी होगी,
एक महीने में कितना कमा रहे हैं। तो मासिक आय कैसे निकालोगे, बस सुनो, महीने की आय बराबर या माह की आय, माह की जो आय है वो कितनी है, वो है 9x, कितनी है 9x, तो 9 इंटू एक्स का मान कितना आया 2000 रुपये, कितना आया 2000 रुपये। तो महीने के इसने कमाए 9 दुनी 18 18000 रुपये महीने के कमा रहे आए, ठीक 18000 रुपये महीने के कमा रहे हैं। तो उस उनकी तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो मासिक आय पहले वाले व्यक्ति की आ गई 18000, दूसरे वाले की निकाल रहे, ये पहले वाले व्यक्ति की है और दूसरे वाले व्यक्ति की वो निकालते हैं। देखो दूसरे वाले व्यक्ति की जो आय आएगी, दूसरे व्यक्ति की आय, पहले वाले व्यक्ति की निकाल दिया, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है 7x, 7 × x, और x का मान फिट कर दें, x का मान कितना है, देखो 7 × x का मान कितना है 2000, तो 7 × 14 तो कितना आ जाएगा 14000 रुपये। तो एक की जो आय आई है वो आई है 18000 पहले वाले व्यक्ति की, और दूसरे की आई है कितनी 14000, कितनी आ गई 14000, तो एक की 18000 है, दूसरे की 14000 है, ये इसका फाइनल आंसर है। तो तुम्हें महीने की आय ज्ञात करनी थी, इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। हाँ देखो नेक्स्ट वाला सवाल है, इसको सॉल्व करो, कैसा सवाल सॉल्व होगा पहले इसकी हिंदी समझो, अगर तुम्हारी हिंदी समझ में आ जाती है तो आराम से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा होगा वो समझो, देखो क्वेश्चन ये है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसमें कोई रोहन है, रोहन नाम का लड़का है, उसकी जो माँ है उससे 26 साल बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में उनका जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष के बाद में, 3 साल के बाद में 360 गुना हो जाएगा, मतलब 360 हो जाएगी उनकी उम्र गुणा करके 3 साल के बाद में। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान का मतलब होता है इस टाइम वो रोहन कितने साल का है, पहला इसको मानना पड़ेगा कि रोहन कितने साल का वर्तमान में। तो तुम क्या लिखोगे वो देखो यहाँ पे, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु हम मानेंगे इसकी x वर्ष, इस टाइम ये x वर्ष का है। अब निकालेंगे रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु, इसकी जो माँ की वर्तमान आयु है, सवाल में बोला गया है कि जो रोहन की माँ है ये इस रोहन से 26 साल बड़ी है, तो तुम लिखोगे x प्लस के 26, x प्लस के 26 वर्ष। अब यहां से कंडीशन चेंज होती है, कंडीशन में क्या बोला गया है कि अब से 3 वर्ष के पश्चात, तो तुम लिखोगे 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु, 3 वर्ष के पश्चात रोहन की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारे पास x प्लस के 3, क्योंकि 3 साल इसमें जुड़ जाएंगे, जहां पर कहते हैं पश्चात मतलब बाद में, तो जुड़ेंगे वो 3 वर्ष के पश्चात है तो x प्लस के 3, 5 वर्ष के पश्चात है तो x प्लस के 5 हो जाता। अब आगे लिखें रोहन की माँ की आयु लिखेंगे, अब 3 वर्ष के पश्चात वो भी यहां पर लिखेंगे, 3 वर्ष के पश्चात, पश्चात मतलब बाद भी होता, बाद भी लिख सकती, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, रोहन की जो माँ की आयु है 3 साल के बाद में, पहले कितनी थी x प्लस के 26 थी, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस के 29, 26 में 3 जोड़ दोगे 29 वर्ष हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस के 29। अब कर दो प्रश्न अनुसार, अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, जैसे जैसे सवाल में पूछा गया है वैसे वैसे कर दो। कह रहा है कि 3 साल के बाद में इनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल कर दें इसका, मतलब x प्लस 3 की गुणा तुम करोगे x प्लस के 29 से। सवाल में ये तो बोला है कि उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष के पश्चात कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इस टाइम की जो उम्र है वो निकालनी है, देखो कैसे निकलेगी। पहले पद से पहले ही गुणा करेंगे, मतलब x से x ही करेंगे तो x स्क्वायर चढ़ जाएगा, गुणा में घात जुड़ती हैं, ठीक। अब इससे करें इस वाले की, 29 से करते हैं x की, तो क्या आ जाएगा प्लस का 29x,
प्लस का 29x क्यों आया है? क्योंकि तो प्लस से प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस 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 होता है, तो 29x आ गया है। अब 3 से x करने तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। 3 से 29 ही करने, 29 का ना 29 दूनी 58, 29 दिया 87 हो जाएगा, तो 87 लिख दें। बराबर कौन है 360, ठीक। आगे सोल्व कर दो, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो, देखो एक्स एक्स के मान आपस में जुड़ जाते हैं, सारा बताया बेसिक में। 29x और 3x कितने x हो गए, 32x हो गए हैं। प्लस का कौन है, 87 है। बाहर किसका, प्लस का, अंदर किसका हो जाएगा, माइनस का 360। बराबर कौन हो गया, जीरो हो गया। आगे सोल्व कर दो, कैसे सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो प्लस 32x ऐसे लिखो। अब देखो 87 में से 360 निकालने कितना बचेगा, कितना, माइनस का 273 बच जाएगा। 87 में से 360 निकालेंगे, माइनस के 273 बच जाएगा, उल्टा घटा दो, 360 में से 87 निकालेंगे तो 273 बचेगा, ठीक। माइनस के ज्यादा लग रहे हैं तो माइनस लगा दो, ठीक, उल्टा इस तरीके से घटा सकते हो। अब क्या करना तुम्हें, फैक्टर करने, ये द्विघात समीकरण बन गए तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 273, क्या बन गए, द्विघात समीकरण। 273 के ऐसे फैक्टर लेकर आने हैं जो माइनस करके कितना आ जाए, कितना आ जाए, 32 आ जाए। तो करो सोल्व, आगे इसके फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं इसके, हाँ इसके फैक्टर निकालो। देखो अब कैसे फैक्टर निकालोगे, यहाँ पे 273 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो सोल्व करो इसको, कैसे करोगे, देखो यहाँ पे अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस के, अगर तुम इसमें से 39 में से 7 घटा दो कितना बचेगा, 32। अगर तुम 39 में से 7 निकाल दोगे तो 32 बच जाएगा, बचेगा। अगर 39 से 7 की गुणा कर दोगे तो 273 आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर मिल गए इसके 39 माइनस के 7, क्योंकि जब 39 से 7 की गुणा करोगे 273 आ जाएगा, 39 में 7 घटाओगे तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि गुणा करके लास्ट वाली आनी चाहिए और घटा के बीच वाली आनी चाहिए, तो घटा के आ जाएगी तुम्हारे पास 32x। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से फैक्टर बना सकते हो, देखो इसके 273 के फैक्टर बना दो इस तरीके से। अगर किसी से फैक्टर नहीं आते निकल गए, ऐसा देखो 3 से काट लो, 3 नम 27, 3 इकाना 3, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 इकाना 7, ऐसा हो जाएगा। देखो 13 तिया 39 और माइनस के 7 आ गए फैक्टर, 13 तिया 39 माइनस के 7, ऐसे बन जाते हैं फैक्टर, ठीक। आगे सोल्व करो, एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा। अब आगे देखो 39 से एक्स गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 39x आ जाएगा। आगे सोल्व करो, देखो प्लस माइनस माइनस, 7 से एक्स करोगे क्या आएगा, 7x, वो भी किसका आएगा, माइनस का, और प्लस का माइनस का ही है, माइनस का कौन है, 273, बराबर कौन है, 0। एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो, अब इसमें कॉमन खींच के ले लो, देखो यहां से तुम कॉमन खींच सकते हो, कॉमन क्या खींचेगा, देखो x कॉमन खींच जाएगा, यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा 39, यहां से तुम 7 कॉमन ले लो, यहां से बचा x, ये माइनस माइनस कर देगा प्लस, इस ब्रेकेट की वजह से करें, यहां से बचा x, यहां से देखो ये काटेगा कितनी बार, 39 बार, कितनी बार, 39 बार। अब ये प्लस कैसा गया, माइनस माइनस प्लस होता है ना ये, अब आगे सोल्व कर दो, देखो ये अगर मान एक जैसे आ जाते हैं तो सवाल होता है सही, नहीं तो गलत होता है। तो एक बार ब्रेकेट वाला मान लिख लो, मतलब इसे लिख लो या इसे लिख लो, बात तो एक ही है, और एक बार तो बाहर खींचा, यहां से खींचा x, यहां से खींचा कितना, 7, ये खींचा है। अब आगे सोल्व करो, x प्लस का कितना है, 39 है, बराबर लिखोगे 0, अंदर प्लस का 39 है, बाहर जाके तो एक तो तुम्हारा माइनस मार है, बताओ माइनस में कभी उम्र हो सकती है किसी की, तो प्लस वाला आंसर होता है, इसका मतलब x माइनस के 7 बराबर कौन है, 0, अंदर माइनस का बाहर जाकर प्लस का, तो मतलब जो इसकी उम्र आई है किसकी, रोहन की, वो 7 साल आई है। तो तुम यहाँ पे लिखोगे रोहन की वर्तमान आयु, लास्ट में हिंदी में क्या लिखोगे, रोहन की वर्तमान आयु, तुम लिखो क्या, रोहन की वर्तमान आयु।
रोहन की जो वर्तमान आयु है इस टाइम जो हमारा रोहन की जो आयु है एक्स बराबर कितनी है 7 वर्ष है। अब इसकी माँ की आयु निकालनी है। हाँ, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, अब रोहन की माँ देखो इसकी माँ की आयु क्या निकल के आएगी, कितनी है x प्लस के 26 है, x प्लस के 26, x का मान कितना आया 7, तो 7 रख दो यहाँ पर, प्लस का कौन है 26, अब 26 में 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा 33 वर्ष, यही क्या इसका आंसर है, वो ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। देखो नेक्स्ट वाला सवाल है, इसको सोल्व करो ध्यान से, कैसे करोगे सोल्व, क्वेश्चन है कि इसकी हिंदी समझो पहले, एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है आधार से भी कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। अब तुम्हें इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, देखो समकोण त्रिभुज कैसे बनाओगे, समकोण त्रिभुज कैसे बनाओगे वो देखो, समकोण त्रिभुज बनाओ एक, अब इसके मान रख दो, ये ए पॉइंट है इसका, ये बी है और ये सी है। अब समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन जाए, 90 डिग्री का, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक, ये वाली जो भुजा है नीचे ये आधार है, 90 डिग्री पे ये थीटा के सामने लंब होती है, थीटा होगा यहाँ पे, और थीटा के सामने क्या लंब है जो ए बी है, और ए सी क्या मेरे पास कर्ण है इसमें त्रिभुज के अंदर। अब सारे मान इसमें से देख के लगाओ ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो अगर इसका मान लो आधार कितना है x है, आधार क्या है x है, इसके आधार से इसकी जो ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर कम है, x में से 7 सेंटीमीटर कम करो तो क्या आगा x माइनस के 7, अरे कम करना माइनस होता है ना, तो क्या आगा x माइनस के 7, कर्ण कितना है इसका 13, कितना है 13 सेंटीमीटर में चल जाए सारा कुछ, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। ऐसी कंडीशन को सोल्व करने के लिए तुमने क्या बताया था, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं को ज्ञात करने के लिए एक आती है पाइथागोरस प्रमेय, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, आंसर आ जाएगा। अब पहले इसकी हिंदी लिखो, हिंदी कैसे लिखोगे वो सुनो, तुम लिखोगे माना समकोण त्रिभुज का आधार, इसमें हमने आधार मान लिया है कौन बीसी, कौन है बीसी, और बीसी कितना है एक्स सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर लगाओ, और इसकी ऊंचाई त्रिभुज की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है, त्रिभुज की ऊंचाई है ए बी, कौन है ए बी, और ए बी कितनी है एक्स माइनस के साथ सेंटीमीटर। कर्ण लिखो इसका, त्रिभुज का जो कर्ण है मेरे पास ए सी, ये कौन है ए और ये है सी, तो क्या हो जाएगा कर्ण ए सी, और ए सी का जो मान है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। अब देखो तीनों मान हमने लिख लिए हैं, अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, तुम लिखोगे समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो लगा दो। देखो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, हाँ, प्लस आधार का वर्ग, क्या होता आधार का वर्ग। अब इसके मान लगा दो, देखो कर्ण है एसी, कौन है एसी, तो यहाँ पे एसी लिख दो, एसी का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कौन है एबी, तो एबी का स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे एबी का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कौन है बीसी, तो क्या हो जाएगा बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनके मान लगा दें, एसी की जगह एसी का मान लगा दो, कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ, देखो एसी क्या है, ये 13 है, सेंटीमीटर में है, तो एसी का मान लगा दे कितना 13 बराबर, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है एक्स माइनस के साथ, इसका भी होल स्क्वायर चल रहा है। बी सी का मान कौन है एक्स है, तो एक्स का
स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब देखो 13 का वर्ग कितना हो गया 169 बराबर। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा तुम्हें, ये a है और ये b है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बेसिक में काफी खोला, तो क्या होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, 2a, a की जगह कौन है एक्स और b की जगह कौन है 7, तो 2 से जब x करोगे 2x, अब 2x से 7 की गुणा करोगे तो 7 × 2 = 14x हो जाएगा, तो हो गया 14x। आया समझ में? देखो ए स्क्वायर ए की जगह कौन है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो गया, बी की जगह कौन है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस के 2ab, देखो माइनस के 2ab, ए की जगह कौन है एक्स, बी की जगह कौन है 7, तो 7 × 14x हो जाएगा ना, इस वजह से लिखा 14x माइनस का 2ab फॉर्मूले का होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस कौन है एक्स स्क्वायर, कौन है एक्स स्क्वायर। आगे सोल्व कर दो इसको, अब बेसिक है, संख्या संख्या उठाकर एक तरफ बुझा दो, देखो इधर प्लस का 49 से इधर खींच के माइनस का, भाई संख्या संख्या उठाकर एक तरफ भेजते हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो ये हो गया मतलब x स्क्वायर ऐसे जुड़ जाते हैं आपस में, और यहां से कौन बचा माइनस के 14x, माइनस के 14x। अब सॉल्व कर दो, देखो 2x स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा, 2x स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा और माइनस के कौन है 14x है। अब ध्यान से देखें 169 में से 49 निकालने कितने बचेंगे 120, कितने बचेंगे 120, और 120 किसके बचे ये प्लस के बराबर में, तो ये देखो 2x स्क्वायर माइनस के 14x, ये मैंने ऐसे लिखा 169 में से 49 निकालोगे 120 बचा, 120 इधर लिख लो बराबर में, इधर लिख लो बात तो एक ही है। अब अंदर खींच लो इसको, 2x स्क्वायर को ऐसे लिखो माइनस के कितना है 14x है, बाहर किसका प्लस का 120, अंदर खींच लो माइनस का हो जाएगा माइनस का 120। अब ध्यान से देखें यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन खींचेगा, यहां से 2 कॉमन खींच जाएगा, तो 2 कॉमन खींचा, यहां से बचा एक्स स्क्वायर, 2 × 7 = 14x, 7 बार काटेगा, 2 से काटो 60 बार काटेगा, 2 × 12 = 0 जीरो है सही। अब बताओ ये 2 जो है इस जीरो के नीचे जाकर खत्म, मतलब जो तुम्हारे पास समीकरण बची है, वो जो समीकरण बची है वो समीकरण ये बची है, क्या बची है एक्स स्क्वायर माइनस के कितना है 7x, माइनस के कौन है 60, माइनस के 60। अब सवाल यह है कि 60 के यहां से फैक्टर से माइनस करके कितना आना चाहिए 7, 12 × 5 = 60, 12 में से 5 निकालोगे कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, ऐसा होगा, और 12 × 5 = 60 गुणा करके आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर लिखो माइनस, यहां पर लिखो 12 − 5 और इंटू में एक्स माइनस के 60, जिससे फैक्टर नहीं आते कमाएगा, समझ में ध्यान से देखिए, देखो 60 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 7, तो 12 में से 5 निकालोगे 7 ही तो बचेगा, तो ये तुम्हारे मिल गए फैक्टर। देखो 12 से एक्स गुणा करो क्या होगा 12x, माइनस माइनस कर देगा प्लस, और 5 से एक्स करोगे 5x, इधर कौन है तुम्हारे पास 60, बराबर कौन है 0, यहां से कॉमन खींच जाएगा एक्स, यहां से बचा एक्स, यहां से बचेगा 12, यहां से खींचो, देखो 5 आ गया कॉमन, यहां से बचा एक्स, 5 से इसको काट दो 12 बार कटेगा ठीक। अब तुम्हारे पास एक ये ब्रैकेट वाला लिख लो, अंदर ब्रैकेट वाला, और जो बाहर खींचा है एक्स इसको लिखो, और प्लस का कौन है 5, अब एक्स माइनस के 12 = 0, अंदर माइनस का बाहर जाकर प्लस का, एक आंसर तो ये आया तुम्हारे पास, एक्स प्लस के 5 = कितना 0, अंदर किसका प्लस का बाहर जाके माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या हो जाएगा ये माइनस का 5 होगा ठीक, माइनस का 5। अब ध्यान से देखो ये जो त्रिभुज है, क्या त्रिभुज की दूरी माइनस मार सकती है लक्ष्मी होती है, तो आंसर इसका करेक्ट वाला कौन सा होगा 12, तो तुम लिखोगे त्रिभुज का आधार, लास्ट में हिंदी क्या लिखोगे वो सुनो, तुम लिखोगे त्रिभुज का आधार बराबर, त्रिभुज का आधार बराबर, आधार कौन है, आधार कौन माना हमने x, और x का मान कितना आ चुका है 12, तो 12 सेंटीमीटर आ गया इसका आधार, ये जो आया ये जो मान है यहां से लेकर यहां तक का ये 12 सेंटीमीटर है। अब इसकी ऊंचाई निकाल दो, त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई निकाल लें हम, ऊंचाई कौन है हमारे पास x माइनस के साथ, कौन है
एक्स माइनस के साथ, एक्स का मान कौन आया 12 माइनस के साथ कितना बचा 5 सेंटीमीटर, कितना बच रहा है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ऊंचाई आई है कितनी आई है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो मान है वह 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान दे रखा है इसमें, कर्ण का तो मान ऑलरेडी पहले से ही है, कर्ण कौन है हमारे पास एसी, और एसी का मान कितना 13 सेंटीमीटर। तो ये हिंदी चाहो तो लिख सकते हो लास्ट में, नहीं तो इसका मेन आंसर जो है एक्स बराबर कितना आ गया 12, आधार और ऊंचाई कितनी आ गई 5 आ गई। ये हमें चाहिए था कि तुम्हें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, एक भुजा तो पहले से दे रखी है, ये दोनों भुजाएं मुझे ज्ञात करनी थी, एक 12 और एक 5। ये पूरा सॉल्यूशन हो गया है, और देखो कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ। चलिए है ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, सवाल ये है, पहले सवाल को पढ़ो ध्यान से। सवाल क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये कोई जैकब नाम का लड़का है और उसका कोई पुत्र है, तो 5 वर्ष बाद, अब से 5 साल के बाद में जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, कंडीशन ये है। फिर क्या होता है कि 5 वर्ष पूर्व, अगली शर्त ये बता दी है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। पूर्व का मतलब होता है पहले, और बाद का मतलब होता है हाँ पश्चात या फिर बाद, ये बाद में होता है, इसमें जुड़ेगा उसमें घटेगा। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, इस टाइम की उम्र क्या है, वो हमें निकालनी है। तो इस टाइम जो उनकी उम्र है वो पहले मान लो, तुम बोलोगे माना, यहां पर कौन है जैकब है, माना जैकब की आयु, जैकब की आयु, और जैकब की कौन सी आयु मानोगे, जैकब की वर्तमान आयु मानो, वर्तमान का मतलब इस टाइम की जो आयु है, वर्तमान आयु। इस टाइम जो तुम्हारी उम्र है मान लो 15 साल 16 साल, वो तुम्हारी वर्तमान उम्र है। तो वर्तमान आयु हमने कह दी इसकी जैकब की एक्स वर्ष, एक्स साल है, और इस एक्स का मान हमें चाहिए जैकब की। अब इसके पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, तो इसकी वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु इसकी कह दो 22 वर्ष है, 22 वर्ष है। इतना आया समझ में। अब जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे कर दो, आंसर आ जाएगा। अब लिख दो यहां पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जैसे जैसे प्रश्न बोले वैसे वैसे कर दो, उसको बोलते हैं प्रश्नानुसार। पढ़ो देखो, 5 वर्ष बाद, ये बाद की कंडीशन है, कब की है, बाद की कंडीशन है, तो ध्यान रखो बाद की कंडीशन क्या है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु इस टाइम कितनी है, एक्स साल है, 5 साल के बाद में क्या होगा, एक्स प्लस के 5 हो जाएगा। क्यों होगा, मान लो जैकब की आयु इस टाइम 12 साल है, 5 साल के बाद 17 साल हो जाएगी, कैसे पता लगा, जोड़ के, तो इसी वजह से प्लस आता है, आया बात समझ। तो यहां पर क्या है, 5 हमने इसी वजह से जोड़ा है कि 5 साल के बाद में, और बाद में तो उम्र जुड़ेगी, तो इसी वजह से एक्स प्लस के 5 बन गया है। आगे पढ़ो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, अब पुत्र की देखो, अब पुत्र में भी 5 ही जुड़ेगा, क्यों, जब जैकब की आयु में 5 साल बढ़ने हैं तो इसके पुत्र की आयु में 5 साल बढ़ेंगे। हर किसी की उम्र बराबर तो बढ़ती है, जब 5 साल इसकी उम्र में बढ़ेंगे तो 5 साल इसकी उम्र में बढ़ेंगे, आई बात समझ में, ठीक। कितने गुनी है, गुनी मतलब गुणा कर दो, आयु से 3 गुनी है, तो इसकी हो जाएगी 3 गुनी, मतलब इसकी अकेले की उम्र इससे 3 गुनी ज्यादा है, सही है, इसकी अकेले की उम्र इससे 3 गुनी ज्यादा है, इस वजह से यहां पर 3 से गुणा हो रही है। अगर सॉल्व कर दो, x प्लस के 5 हमने ऐसे लिखा, ठीक, बराबर 3 से बाई करने कितना आ जाएगा 3y प्लस 3 × 15, इससे इसकी गुणा कर देंगे 3 × 15। अब बेसिक है कि ये y और x को उठाकर एक तरफ, संगे संगे उठाकर एक तरफ, x प्लस के 5 को मैंने ऐसे लिखा, इधर प्लस का देखो, तुम ऐसा करो, देखो x को मैंने ऐसे लिखा, इधर प्लस का 3y, इधर खींच के माइनस का, बराबर 15 को ऐसे लिखो, 15 को ऐसे लिखो, इधर प्लस का 5, उधर जाके माइनस का, एक्स माइनस के 3y बराबर यहां से कौन बचा 10 बचा, इसको कह दो समीकरण नंबर 1। अब ये जो कंडीशन सोल्व करी है हमने, ये करी है बाद वाली, अब करेंगे पूर्व वाली। पूर्व वाली कैसे होगी वो सुनो, देखो पूर्व का मतलब क्या, देखो इसकी उम्र जो जैकब की उम्र है, ये पूर्व की कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन है। देखो इस टाइम जो इसकी उम्र है जैकब की, एक्स साल है, 5 साल पहला क्या होगी, 5 साल के पहले की तो बात कर रहा है, पूर्व मतलब पहले, तो एक्स माइनस के 5 हो जाएगा। मान लो इस टाइम इसकी उम्र 12 साल है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी 7 साल,
पहला मतलब घटेगी ना, आगे सोल्व करो। जब इसकी उम्र 5 साल घटी है तो उसकी भी 5 साल घटानी पड़ेगी, y माइनस के 5। अब बात आती है कितने गुनी है, उसके उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यहां पर कर दो 7 गुनी मतलब 7 से गुना, 7 से गुना हो जाएगा। बताओ वहां सही दिखाई दे रहा है, वीडियो में दिखाई नहीं देता। ठीक, अब अंदर बेसिक हल कर दो, क्या करोगे देखो, x माइनस के 5 मैंने ऐसे लिखा, 7 से y कर दो, 7y आ जाएगा, माइनस 7 × 5 = 35। ठीक, देखो x मैंने ऐसे लिखा, इधर प्लस का 7y इधर खींच के माइनस का, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्स वाई वाई उठा के एक साइड को खींचते हैं, हाँ संजय संजय एक तरफ को, ये माइनस का 35 है, ठीक माइनस कितना है, इधर प्लस का 5 उधर लगा के, और इधर माइनस का उधर लगा के प्लस का हुआ है। ठीक, आगे सॉल्व कर दो, x माइनस के 7y बराबर 5 में से 35 निकाल दे कितने बचेंगे, माइनस का 30। ये हो गई तुम्हारे पास समीकरण नंबर 2। अब समीकरण तुमसे हल करना आती है, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे आंसर आ जाएगा, देखो करें, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करने पर पढ़ दे हल। तो यहां पर एक है मेरे पास x माइनस के 3y बराबर कितना है 10, एक है x माइनस के 7y बराबर है माइनस का 30। इनको सॉल्व कर दें, देखो माइनस कर दें नीचे वाले को, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये प्लस का कर देगा, माइनस से गुणा कर रहे हैं ना, देखो इस प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का है माइनस का कैंसिल, प्लस के 7y में से 3y निकाल दें, कितने y बचे, देखो 7y में से 3y निकालेंगे तो प्लस के 4y बचे, प्लस के 4y बचे, प्लस के 30 में से देखो प्लस के 30 है, ये प्लस के 10 है, दोनों प्लस प्लस के हैं तो 40 हो जाएगा ना, हो जाएगा, 4 से कट कर दें, 4 × 4 = 0, 0, तो बाई का मान कितना आ गया 10 वर्ष। अब 10 वर्ष किसकी उम्र आई है, पुत्र की, अब पुत्र है 10 साल का और इसका जो पिता है वो कितने साल का होगा, अब इस बाई का मान कहीं भी रख दो, समीकरण 1 में रख दो 2 में रख दो, उससे आ जाएगा। अब लिखोगे तुम y का मान, देखो y का मान कहाँ रखेंगे हम, देखो y का मान, y का मान समीकरण किसमें रख दें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रख दें, 1 है मेरे पास x माइनस के 3y बराबर कितना है 10, ठीक, और x का मान मुझे चाहिए माइनस, 3 × y का मान कितना आया है 10 आया है, इधर कौन है 10 है, x माइनस इससे इसकी गुणा करेंगे कितना आ गया 30, इधर कौन है 10, देखो इधर माइनस का 30 है उधर जाके प्लस का, तो 10 प्लस के 30 हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आई कितनी आ गई 40 साल आ गई, 40 वर्ष आ गई। ठीक, तो मतलब क्या है इसका कि जैकब की जो उम्र है वो 40 साल है और उसके पुत्र की जो आयु है कितनी है 10 साल है, तो तुम लिख सकते हो लास्ट में क्या लिखोगे, जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या मानी हमने x को, x बराबर कितना आया 40 साल, ठीक, और इसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या भाई, और भाई बराबर कितना आया 10 वर्ष, तो 40 और 10 इसके फाइनल आंसर हैं, बस कुछ नहीं है, थोड़ा बेसिक का ध्यान रखो, करते रहो आंसर। देखो नेक्स्ट वाला सवाल, देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, इसमें का सवाल तुम्हें देखो ये इस टाइप का सवाल जरूर मिल जाता है, जैसे रेलगाड़ी वाला आया ना, इस टाइप का जो सवाल है कोई ना कोई आ ही जाता है पेपर में 6 नंबर का। अब ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, पहले पढ़ो इसकी हिंदी ध्यान से, हिंदी को देखो ध्यान से, हिंदी से कैसे इसके मान निकालोगे। देखो क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है,
यदि इसके चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती, अब कंडीशन ये है कि इसकी चाल में कमी हो रही है, अब चाल में कमी होगी तो टाइम लेगी ज्यादा, ऐसा होगा, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अब 3 घंटे क्या ले रही है, ज्यादा ले रही है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, कंडीशन ये है कि दूरी तो 480 किलोमीटर की है और चल रही है एक चाल से, फिर बाद में इसने क्या करा ड्राइवर ने, 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड इसने कम कर दी है, मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर ट्रेन को कम लेकर जा रहा है। तो आप बताओ जब इसकी स्पीड कम कर देगा ट्रेन की, तो ट्रेन लेट पहुंचेगी, और ट्रेन कितनी लेट पहुंच रही है, 3 घंटे, 3 घंटे। तो हमें ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी किस चाल पे वो चल रही थी पहले, समान चाल से वो चल रही थी। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या क्या करोगे वो देखो, हल में देखो हिंदी कैसे लिखोगे वो सुनो। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, अब रेलगाड़ी की जो चाल है हमने कह दी है एक्स किलोमीटर पर घंटा, एक्स किलोमीटर पर घंटा मतलब 1 घंटे में एक्स किलोमीटर वो चल रही है, वो हमें निकालना है। दूरी कितनी है, दूरी लिख लो यहाँ पे, जो दूरी है यहाँ पर दूरी है टोटल 480 किलोमीटर की। अब कंडीशन क्या है, ये जो दूरी है ये 480 किलोमीटर की है, टोटल दूरी है 480 किलोमीटर की। अभी जो ट्रेन चल रही है समान चाल से तय कर चल रही है, अब हुआ क्या, चलते चलते इसकी स्पीड कर दी है कम, अब स्पीड इसकी कम कर दी है तो क्या कंडीशन बनेगी वो सुनो। अब लिख दो यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक फॉर्मूला होता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये जो फॉर्मूला होता है, समय कितना है यहाँ पे 3 घंटे है, तो समय की जगह क्या रखोगे समय, समय की जगह हमने रख दिया समय। दूरी कितनी है इसमें, दूरी है 480 किलोमीटर की, और चाल में कमी कितनी है 8 की, माइनस 480 बटा एक्स, वही बात है। देखो चाल होगी कम, चाल होगी कम तो समय लेगी ज्यादा, चाल होगी ज्यादा तो समय लेगी कम, मतलब ज्यादा समय में से कम समय घटाएंगे 3 घंटे बच जाएंगे। आगे सोल्व कर दो इसको, क्या करोगे बेसिक है, इससे इसकी गुणा करोगे कितना आ जाएगा 480x, इससे इसकी गुणा कर दो 480 इंटू में एक्स माइनस के 8, नीचे से नीचे कर दो एक्स एक्स कर दोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स से माइनस देखो एक्स से माइनस के 8 की गुणा करोगे क्या आएगा माइनस के 8x। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम, इससे इसकी गुणा करें 480x माइनस यहाँ से आया, इससे इसकी गुणा करेंगे 480 ऐसे लिखा, इससे इसकी गुणा करके इसको लगा दिया ब्रैकेट में, अब ये बटे में ऐसी गुणा में जाएगा, तो इसकी गुणा में आएगा 3 से x² करोगे तो क्या होगा 3x² 3x² माइनस 3 से 8 भी कर दो 3×8=24x हो जाएगा, 3×8=24x हो जाएगा। इसकी ऐसे लिखो देखो 480x मैंने ऐसे लिखा माइनस 480x से गुणा कर दें तो 480x हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कर देगा यहाँ पे प्लस, अब 8 से गुणा करना देखो 800 8×8=64 64×4 यहाँ से लगे 6 8×32 32×6=38 हो ही गुणा, इससे इसी गुणा कर दी थी। देखो ये प्लस माइनस के खत्म, जो बचा उसको लिख लो क्या क्या बच रहा है यहाँ से, देखो क्या क्या बचा है यहाँ से, बचा तुम्हारे पास 3x² 3x² बचा ये, और ये कौन है 24x है। यहाँ से जो बचा देखो 3840 प्लस का है, इधर खींच लो इसको माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3840 बराबर में आपके बचेगा 0, क्योंकि ये वाली जो बराबर में संख्या है सब खत्म कर दी हमने, प्लस माइनस के कट, इधर प्लस का इधर खींच के माइनस का। अब यहाँ से देखो 3 कॉमन खींच लो, यहाँ से बचेगा x² 3×8=24 3×8=24 ये बचेगा, 3 से इसको काटो, 3 ही करना 3 और 3×2=6 बचा 2, और देखो 3×2=6 बचा 2, 3×8=24 और 0 ऐसे आ जाएगा बराबर क्या आ गया 0। अब ये गुणा में इसके 0 के नीचे आएगा खत्म, x² बचा 8x बचा 1280 बचा, मतलब ये 0 मतलब 3 जो है इसके नीचे आएगा खत्म हो जाएगा। 1280 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आ जाए 8 आ जाने चाहिए, ऐसा कोई फैक्टर ढूंढो। तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा वो देखो, इसका फैक्टर क्या बनेगा, इसका फैक्टर बनेगा तुम्हारे पास x² 40 माइनस के 32, जब 40 में से 32 घटाओगे तो 8 बच जाएगा, गुणा करोगे तो 1280 आ जाएगा। 1280 के ऐसे फैक्टर जो माइनस, देखो ये वाला जो माइनस ही बताता है कि तुम्हें माइनस करके ये फैक्टर लाने, तो
तो माइनस करके क्या आना चाहिए तुम्हारे पास, 8 आना चाहिए, गुणा करके ये 1280 आना चाहिए। तो 40 से जब 32 गुणा करेंगे तो 1280 आ जाएगा। और ये जो एक्स है यहाँ पर लिख लें, इधर कौन है 1280, बराबर कौन है 0। आगे सोल्व कर दो, एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, देखो 40 से एक्स कर दें 40x आ जाएगा, माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो 32x हो जाएगा। ठीक, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, माइनस के कौन है 1280, बराबर कौन है 0। यहां से कॉमन क्या खींच रहा है, यहां से एक्स कॉमन खींच रहा है, यहां से क्या बचा तुम्हारे पास एक्स, भाई एक्स स्क्वायर था, एक तो एक्स हमने बाहर खींच लिया है, यहां से कौन बचेगा तुम्हारे पास 40। अब बताओ इस लाइन में कोई प्रॉब्लम, एक्स हमने बाहर खींच लिया है, भाई यहां से क्या कॉमन, प्लस ऐसे लगाओ, यहां से तुम पूरा 32 कॉमन ले लो, क्योंकि 32 पूरा काटेगा उसको, एक्स बचा 32 से इसको काटोगे 1280 को, ये काट देगा 40 बार, बराबर कौन है 0। 32 से जब इसको काटोगे 1280 को तो पूरा पूरा 40 बार काट देगा। अगर ये मान एक जैसे आ जाते हैं, ये वाले मान एक जैसे आ जाते हैं तो सवाल होता है सही, ये मान एक जैसे आने चाहिए ब्रेकेट के अंदर। अब इनको बाहर निकाल लो, देखो बाहर कैसे निकालोगे, बाहर निकालने के लिए सुनो देखो, यहां से तुम्हारे पास एक्स माइनस के 40 लिखोगे, सुनो देखो एक बार हम इसको लिखते हैं ब्रेकेट के अंदर, इसको लिख लो या इसको लिख लो बात तय की है। अब क्या करोगे, जो तुमने बाहर खींचा, यहाँ से एक्स खींचा, यहाँ से 32 खींचा, इसको लिख लो आप, एक तुमने खींचा है एक्स और एक खींचा तुमने क्या प्लस का 32, प्लस का 32। अब बाहर निकाल लो इनको, देखो एक्स माइनस 4, एक्स माइनस के 40 है ना ये, बराबर कौन है 0, अंदर माइनस का बाहर जाकर ये हो गया प्लस का, इसको निकालो देखो एक्स प्लस के 32 है, बराबर कौन है 0, अंदर प्लस का बाहर जाके माइनस का। अब ये बताओ जब रेलगाड़ी चलेगी तो चलेगी तो प्लस में चलेगी, आओ चलेगी ना रेलगाड़ी तो प्लस में तो चलेगी, तो यहाँ पर जो ये माइनस का है तो माइनस का आंसर नहीं होता है ऐसी कंडीशन में। तो तुम लिखोगे रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल, जो रेलगाड़ी चल रही थी एक्स बराबर 40 किलोमीटर पर घंटे पर चल रही थी, 40 किलोमीटर पर घंटा पे, इसका मेन आंसर ये हुआ। रेलगाड़ी कब चल रही है, जब वो समान चाल से चल रही थी तो 40 पे चल रही थी एक साथ, तो इसका जो आंसर है 40 किलोमीटर पर घंटा है, मेन आंसर इसका ये है। अब तुम देखो कहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर कौन से फैक्टर में, नेक्स्ट वाला सवाल क्या है इसको देखो ध्यान से, इसकी हिंदी कैसे बनेगी ध्यान से देखियो। एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 मीटर है, वैसे मीटर स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल, स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, क्षेत्र की जो लंबाई है मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई का अगर दुगना करोगे उससे भी एक अधिक है इसकी लंबाई, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो कैसे सोल्व करोगे इसको, इसका चित्र बनाओ, चित्र कैसा बनेगा वो देखो, एक तुम्हें बनाना पड़ेगा इसमें आयताकार भूखंड, तो यह है एक आयताकार भूखंड है, अब इसमें मान रख दो, देखो अगर मैंने कह दिया इसकी चौड़ाई क्या है एक्स है, चौड़ाई क्या है एक्स है, तो चौड़ाई जो है ये एक्स है और एक्स का दुगने से एक अधिक कर दो इसकी लंबाई, चौड़ाई के दुगने से, तो मतलब इसका दुगना क्या हो जाएगा 2x, दुगना क्या हो जाएगा 2x, और इससे कितना अधिक कर दे एक अधिक मतलब प्लस, तो ये आ गई तुम्हारे पास क्या इसकी लंबाई, ये आ गई इसकी लंबाई और ये आ गई इसकी चौड़ाई, ये आ गई इसकी चौड़ाई, और इसका जो एरिया है, ये एरिया जो है ये है 528 मीटर स्क्वायर का, ये क्षेत्रफल है, और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा की चौड़ाई। अब इसमें तुम मान लो, देखो हमने इसकी जो चौड़ाई है क्या मानी है एक्स मानी है, क्या मानी है एक्स, तो तुम लिखोगे माना भूखंड की चौड़ाई, माना भूखंड की चौड़ाई, जो भूखंड की चौड़ाई है वो कह दो है क्या है एक्स मीटर है, क्या है एक्स मीटर है। ठीक, इसकी जो लंबाई है देखो लंबाई क्या आई है, लंबाई तुम्हें दिखाई दे गई होगी क्या है 2x प्लस के 1, कितनी है 2x प्लस का 1, ये क्या है मीटर में है, मीटर में है। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है इसका लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार भूखंड का देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो इसके फॉर्मूले में क्या लिखोगे, आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो है लंबाई गुणा की चौड़ाई, इसका इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा की चौड़ाई के बराबर।
अब इसके मान रख दो, इसका मान क्या क्या है देखो, इसका जो मान है आयताकार उपखंड का जो क्षेत्रफल है कितना है 528 है, तो यहाँ पर लगा दो तुम 528 बराबर। लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है 2x प्लस के वन, कितनी है 2x प्लस का वन है, और चौड़ाई कितनी है x है, क्या है x है। 528 को तुम ऐसे लिखो 2x से x की गुणा करो, देखो इससे इसकी करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, x है वन की करेंगे तो x ही करना x, बताओ कोई प्रॉब्लम। अब क्या करोगे देखो, 2x स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा प्लस x ऐसे लिखा इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 528 किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में अब क्या बचेगा जीरो। अब क्या करना है तुम्हें, फैक्टर करना है इसका। देखो फैक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, इस शुरू वाली से लास्ट वाली संख्या की गुणा करनी पड़ती है, जब 528 से 2 की गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1056, 1056 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके एक आ जाए। देखो अरे ये है, इससे इसकी गुणा करोगे तो 1056 आ गया, ये 1056 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके एक आ जाए। देखो 2 5 10 और 2 2 4 और 2 8 16, 2 2 4 2 6 12 2 4 8 2 6 8 2 ही करना 2 2 3 6 2 3 4 33 गुणा के 32 आ जाए, फिर 2 से काट दो 2 6 12 2 6 12, अब इसको काट दो तुम 2 से 2 3 6 2 3 6 33 से काट दो, 33 करना 33 और देखो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो 32 तो बना दिया, 33 रखा है तो 33 माइनस के 32। देखो अब क्या करोगे यहाँ पर 2x स्क्वायर क्या करना है तुम्हें, देखो 1056 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके आना चाहिए एक, अगर तुम क्या करोगे इसमें से क्या करोगे बताओ, 33 माइनस के 32, 33 में से अगर तुम 32 निकाल दोगे तो एक बच जाएगा, गुणा कर दोगे तो 1056 आ जाएगा पूरा, इससे गुणा करके 1056 आएगा, तो 1056 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए एक आना चाहिए, तो 33 माइनस के 32 करके एक बनेगा, 33 से 32 गुणा करोगे तो 1056 आ जाएगा, इससे गुणा करके। अब बेसिक है ये आगे समझ में कि 33 माइनस के 32 कैसा आया है, फैक्टर कर दोगे इसको 2x स्क्वायर 1056 कहाँ से आया है, इस दो से इसकी गुणा करी है तो 1056 आया है, ठीक। आगे देखो 2x स्क्वायर ऐसे लिखा, 33 से 32 करोगे देखो 33 से x करोगे, देखो 33 से x गुणा करोगे तो 33x आ गया, प्लस माइनस माइनस के 32x आ गया, माइनस के 528 बराबर जीरो, ठीक। अब क्या करोगे कॉमन खींच लो, यहाँ से कॉमन क्या खींचेगा, यहाँ से x कॉमन खींचेगा, देखो क्या खींचेगा x कॉमन खींचेगा, तो x कॉमन खींच लो, यहाँ से बचेगा तुम्हारे पास 2x, कितना बच गया 2x बचेगा, 1x तो तुमने बाहर खींच लिया, यहाँ से कौन बचेगा 33, क्या हो जाएगा 33। अब बताओ 33 बचा, यहाँ से कॉमन खींचो तुम 16, अब 16 इसको काटेगा, इसको 32 को भी और 528 को भी, तो 16 धुनी 32 दोबारा काट देगा, और साथ में कौन है x, अब ये माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो प्लस लगा दो यहाँ पे, अब 16 से काटो 528 को तो ये काटेगा कितनी बार, ये काटेगा 33 बार, ठीक। अब यहाँ से 2x प्लस के 33 आया, और यहाँ से आ गया x माइनस के 16, x माइनस के 16 बराबर जीरो। अब आगे सोल्व कर दो, देखो अब तुम इस कंडीशन को सोल्व करो, देखो पहले हम इसको हल कर रहे हैं, किसको 2x प्लस के 33 को, 2x प्लस के 33 को बराबर कौन है जीरो, 2x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 33। अब x का मान मुझे चाहिए, तो 33 के बटे में कौन आ जाएगा 2, अब माइनस में तो इसकी भूखंड की दूरी तो होगी नहीं, ना ही चौड़ाई होगी ना ही लंबाई होगी, तो माइनस में तो होती नहीं है, तो अब प्लस में लेंगे हम। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी को सोल्व करते हैं, कौन है यहाँ पर, यहाँ पर है x माइनस के 16 बराबर जीरो, अंदर माइनस का आए बाहर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 16 मीटर आ गया इसकी चौड़ाई, तो भूखंड की जो चौड़ाई आई है वो 16 आई है, तो लास्ट में लिखोगे क्या लिखोगे तुम, लिखोगे भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है x बराबर कितनी आ गई 16 मीटर, ठीक। अब इसकी लंबाई निकाल दें, देखो लंबाई सुनो कैसे निकलेगी, लंबाई इसकी है 2x प्लस के 1, कितनी है 2x प्लस का 1, दो ऐसी लिखा, देखो दो ऐसी लिखा, x का मान कितना 16, प्लस का कौन है 1,
16 दूनी कितना कर देगा 32 प्लस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 33। तो 33 मीटर की इसकी आगे लंबाई देखो, यहां से लेकर यहां तक इसकी 33 मीटर की क्या है ये लंबाई है, 33 मीटर की क्या इसकी लंबाई है, और चौड़ाई इसकी यहां से लेकर यहां तक कितनी है 16 मीटर की, कितनी 16 मीटर की। तो ये तुम्हें सवाल करना था पूरा इस तरीके से। हाँ देखो नेक्स्ट वाला सवाल देखो, इसकी हिंदी क्या है कि एक क्लास टेस्ट में, एक क्लास का कोई टेस्ट हुआ है उसमें कोई शेफाली नाम का लड़का है, उसके गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग है 30। मतलब क्या इस बात का कि टेस्ट ले लिया इन्होंने शेफाली का, और शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त करे हैं उसके जो टोटल नंबर आए हैं कितने हैं 30। अंकों का योग है 30, हमें यह पता लगाना है कि गणित में और अंग्रेजी में उसने कितने कितने प्राप्त करे हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। कंडीशन है ये सवाल में, 2 अंक अधिक किसमें करने हैं तुम्हें गणित में, और अंग्रेजी में 3 अंक कम करने हैं और उनका गुणनफल रखना है 210। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का क्या करना है, प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं, दोनों विषयों में कितने अंक उसने प्राप्त करे और कितने कितने करे हैं। देखो इसकी हिंदी कैसे लिखो, उसमें तुम इसमें मानोगे, माना शेफाली के, इसमें कोई शेफाली नाम का लड़का है, शेफाली के गणित में अंक, इसमें गणित में अंक, इसके जो गणित में अंक हैं हमने मान लिए कितने हैं x हैं, ठीक। अब अंग्रेजी में कितने होंगे, शेफाली के अंग्रेजी में अंक। अब अंग्रेजी में अंक पता कैसे चलेंगे वो सुनो, देखो टोटल जो अंक हैं वो कितने हैं 30 हैं, 30 है ना, तो 30 रख दो। अगर मैं टोटल अंकों में से इसके मैथ के गणित के अंक निकाल दूं तो अंग्रेजी के बचेंगे, कुछ आया समझ में। देखो ध्यान से सुनो, टोटल जो अंक हैं इसके जोड़ के कितने हैं 30 हैं, एक के हमें पता है x है, दूसरे के हमें पता लगाने हैं। अगर मैं इसके मैथ के निकाल दूंगा सारे अंकों में से तो ऑटोमेटिक किसके बच जाएंगे, अंग्रेजी के बच जाएंगे। आई बात समझ में, क्यों घटाया है, सिंपल सी बात है कि गणित के अंक निकाल दो ही तो सब्जेक्ट हैं, दूसरा कौन बचेगा, अंग्रेजी तो बचेगी। आगे पढ़ो, करना इसका प्रश्न अनुसार, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है, उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते तो गणित में इसके 2 अंक अधिक कर दो, x प्लस कितने कर दिया 2, गणित में कितने अंक कर दिए हमने इसके 2 अंक अधिक कर दिए हैं। अंग्रेजी में 3 अंक इसके कम मिले होते तो अंग्रेजी में 3 कम करने दो, तो यहां से कितने बचेंगे 27, भाई 3 अंक कम कर दो इसमें से, 30 में से 3 कम करोगे तो कितना बचेगा 27 माइनस क्या हो जाएगा x, और कितना है 210 इनका गुणनफल। देखो ये ब्रैकेट क्या होती है, गुणा होती है, इनका जो गुणनफल है कितना होता है 210। ये बात आई समझ में कि 27 माइनस के x कैसा है, भाई जो अंग्रेजी में अंक है 30 माइनस के x है, और इसमें से कह रहा है कि 3 अंक उसको कम मिले होते तो कम मतलब घटा दो, 30 में से 3 घटाओ 27 बचेंगे माइनस के x है ही। अब यहां से बेसिक है, देखो कैसे सोल्व करोगे, बिल्कुल ध्यान से देखियो, एक्स से 27 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 27 एक्स आ जाएगा, एक्स से एक्स गुणा करोगे क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, 2 से 27 कर दो 27 दुनी 54, इस 2 से एक्स कर दो माइनस के 2 एक्स, इधर कौन है 210, इसको सॉल्व कर दो, माइनस के एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, घात को पहले लिख लो, संख्या संख्या को सॉल्व कर दो। देखो देखो 27x में से 2x निकाल देंगे, कितने x बचे 25x, ये तो तुम्हें पता है कि x x के मान आपस में जुड़ते हैं घटते हैं, तो 27x प्लस के हैं माइनस के 2x हैं, तो 27x में से 2x निकाले 25x बचे। अब क्या बचा, यहां से बचा 54, प्लस का 54 बचा, बाहर प्लस का 210 अंदर खींच के माइनस का 210 बराबर में क्या बचा 0, कुछ बचे ना तो 0 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के ऐसे लिखा। अब ध्यान से देखो ये कितना है 25x है, ठीक, 54 में से 210 निकाल दो कितना बचेगा माइनस का, कितना बचेगा 156 बचेगा, 156 बचेगा सही है। आगे सोल्व करो, देखो ध्यान से देखियो,
ये मैं माइनस कॉमन खींच रही हूं यहां से, तो यहां से बचा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ठीक, माइनस माइनस प्लस बराबर कौन है जीरो। अब ध्यान से देखें, ये जो माइनस है इस जीरो के नीचे का खत्म, तो तुम्हारे पास समीकरण ये आ गई। देखो समीकरण क्या आई है तुम्हारे पास, समीकरण आई है एक्स स्क्वायर माइनस के 25 एक्स प्लस का 156। अब क्या है ये फैक्टर है, ध्यान से देखियो, 156 के ऐसे फैक्टर निकाल लें तुम्हें जो प्लस करके कितना आ जाए 25 आ जाए। अगर मैं 12 प्लस के कितना कर दूं 13 कर दूं तो 25 आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, यहां पर बोला गया है कि प्लस करके, इस माइनस का कोई मतलब नहीं, ये प्लस बता रहा है कि यहाँ पर जो आना चाहिए क्या आना चाहिए प्लस, तो प्लस करके 25 आ जाए, तो 12 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25, और गुणा करके लास्ट वाला आ जाए। देखो 12 से 13 की गुणा करोगे तो 156 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर करेक्ट हैं। 12 तिया 36 हो गए, 12 का ना 12 और 3 15, अब एक गुणा करके 156, समझ गए। अगर ऐसे भी नहीं आ रहे हैं समझ में तो एक तरीका और है, गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं इसका फैक्टर। देखो आगे सोल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा, इस 25x को क्या लिखेंगे 12 प्लस का 13, ये एक्स ऐसे लिख लो, प्लस का कौन है 156, बराबर कौन है जीरो। आगे सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x हो जाएगा। देखो ध्यान से, माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, फिर से 13x हो जाएगा। देखो प्लस के 13 से एक्स से गुणा करेंगे और ये प्लस माइनस क्या कर दिया इसने, माइनस 13x प्लस का कौन है 156। देखो इस लाइन में किसी कोई प्रॉब्लम, एक बार देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक, और प्लस का कौन है 156, कितना है 156। आगे सोल्व करो, एक्स स्क्वायर देखो यहां से कुछ कॉमन खींच लें, क्या खींचेगा कॉमन, एक्स कॉमन खींच जाएगा, यहां से बचा एक्स, यहां से कौन बचेगा 12 बचेगा, यहां से क्या कॉमन खींचे 13, यहां से बचेगा एक्स, 13 से 156 काटोगे कितनी बार कटेगा 12 बार, और माइनस प्लस माइनस कर देगा। अगर इस फैक्टर देखो इस ब्रेकेट के अंदर अगर मान एक जैसे आते हैं तो तुम्हारे फैक्टर होते हैं सही, तो यहां पर जो आया वो देखो, यहां से आया तुम्हारे पास एक्स माइनस के 12, और जो तुमने बाहर खींचा यहां से एक्स खींचा है, यहां से 13 खींचा है, ठीक। अब बाहर निकाल लो इनको क्या, देखो एक्स माइनस के 12 बराबर कौन है जीरो, अंदर माइनस का बाहर जाके प्लस का, ऐसे इसको सोल्व करो, एक्स बराबर देखो क्या आएगा, एक्स माइनस के 13 बराबर कौन है जीरो, अंदर माइनस का बाहर जाके। अब ध्यान से देखो इसमें दोनों आंसर है, उस सैफाली के जो गणित मांग के हैं वो 12 भी हो सकते हैं 13 भी हो सकते हैं, ये पक्का कंफर्म पता नहीं है इस सवाल में कि उसके अंक 12 आए हैं 13 आए हैं, किसी को पता नहीं है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं, 12 ही प्लस का 13 ही प्लस का। तो तुम लिखोगे सैफाली के गणित मांग बराबर, क्या लिखोगे सैफाली, देखो पेन चेंज कर देते हैं, सैफाली के गणित में अंक बराबर, गणित में अंक बराबर एक्स बराबर कितना आ गए 12, तो अंग्रेजी में कितने बचेंगे बताओ, अंग्रेजी में इसके अंक बचेंगे, अंक में अंक, अंग्रेजी में जो अंक है वो कैसे पता लगाओगे, देखो टोटल है 30, माइनस का कौन है एक्स, तो 30 में से ध्यान से देखो, अगर मैं 30 में से एक्स का मान निकाल दूंगा, 30 में से अगर x का मान निकाल दूंगा तो अंग्रेजी के पता चल जाएंगे, तो 30 माइनस के x और x का मान कितना आया 12, तो कितने बचे अंग्रेजी में बताओ 18, तो अंग्रेजी में इसके अंक आ गए 18 और मैथ में आ गए इसके 12। कंडीशन ये तब की है जब हमने माना है कि उसके गणित में कितने आए 12, अगर हमने गणित में इसके 13 मान लिए तो अंग्रेजी में कितने बैठेंगे 17, ऐसे बैठेंगे। तो कंडीशन दूसरी वाली पलट के लिख दो, या इसमें एक कंडीशन और बननी है, ये या वाली क्या बनेगी, सैफाली के गणित में अंक, गणित में
अंक। हमने कह दिए कितने आए हैं, 12 माने थे, अब क्या मानोगे 13, कितने मानोगे 13, तो अंग्रेजी में कितने बचेंगे, अंग्रेजी में बचेंगे क्या, देखो टोटल कितने हैं 30 हैं, 30 माइनस के एक्स हैं, तो 30 में से इसका एक्स निकालना कितना 13, तो कितने बच जाएंगे 17, तो दूसरी कंडीशन में इसका आंसर आएगा 13 और 17, पहली कंडीशन में आएगा 12 और 18, आ गया समझ में। नेक्स्ट वाला सवाल क्या है, इसको सोल्व करते हैं, देखो इसकी हिंदी समझो पहले। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, कैसे करने विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 290 हो, अगर उनका तुम वर्ग करोगे तो क्या आना चाहिए 290 आना चाहिए, तो इसमें तुम्हें मानना पड़ेगा, माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हम मानेंगे इसमें x, क्या माना x, दूसरा क्या होगा, दो है ना ये, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक दूसरा क्या मानोगे, मानोगे तुम x प्लस के 2, और इसमें बोला गया है कि वर्गों का योग, तो इसका भी तुम्हें वर्ग करना पड़ेगा, इसका भी तुम्हें वर्ग करना पड़ेगा, तो वर्ग यहां पे मत करो, वर्ग करिए तुम नीचे, देखो x प्लस के 2 आ गया है, अब इनके वर्गों का योग कर दो कितना 290, अब लिखो तो देखो, अब लिखोगे तुम क्या प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, अब यहां से ध्यान से समझियो, इनके वर्गों का योग x का वर्ग क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसका वर्ग कर दें, क्या करेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर वर्ग हो गया, और वर्गों का योग कितना आना चाहिए 290, सोल्व कर दो इसको ध्यान से, x स्क्वायर हमने ऐसे लिखा, x स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा प्लस, अब यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ध्यान से देखिए a की जगह कौन है x, तो x का स्क्वायर, b की जगह कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या आ गया 4, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, प्लस क्या आ गया 2ab, तो 2ab हो जाएगा 4x, 2ab 2 से गुणा करोगे 2 में तो 4 आ जाएगा, साथ में कौन है x, इधर कौन है 290, आगे सोल्व कर दो इसको, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस यहां से कौन है 4x, इधर कौन है 4, क्रम से लिखा x वाले को पहले लिखा, 4 को बाद में लिखा, देखो 290 उधर किसका प्लस का, इधर खींच के माइनस का हो जाएगा 290, बराबर कौन आ गया 0, कौन आ गया 0, आगे सोल्व कर दो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस के आ गया 4x, 4 में से 290 निकालने कितना बचेगा माइनस के 286, अब क्या होगा कॉमन आ जाएगा इसमें 2, देखो 2 कॉमन खींच ले, यहां से बचेगा x स्क्वायर 2 दुनी 4, ये दो बार काटेगा 2 दुनी 4 दो बार काटा, और ये जो x है ये बचा ऐसे ही 2 से काटो इसको, 2 इकना 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, बराबर कौन है 0, ठीक, आगे सोल्व कर दो, यहां से बचा तुम्हारे पास x स्क्वायर, ठीक, और यहां से बचा तुम्हारे पास 2x, और यहां से बचा 143, अब क्या होगा 143 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए 2, क्या मिलेंगे फैक्टर बताओ, अगर हम 13 में से कितने निकाल दें 11 निकाल दें तो 2 बच जाएंगे, गुणा करके आ जाएगा 13 गुना 13 और 13 गुना 13 और 14 आ गया, देखो मिल गए फैक्टर, देखो एक बार और सुनो ध्यान से, 143 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, अगर फैक्टर नहीं आते निकालने तो ऐसे देख लो 143 के तुम्हें फैक्टर करने हैं, एक ऐसी संख्या से काटो जो पूरा पूरा काट दे इसको, किससे कट जाएगा बताओ 2 से तो नहीं कटेगा, लास्ट में 3 है, किससे काट सकते हैं हम 11 से काट सकते हैं, 11 से काट दो 11 से कट रहा है 11 करना 11 बचा कितना 3, 11 तिया 33, तो ये 13 करना 13 एक बार काट देगा तो फैक्टर मिल गया हमें 13 माइनस के 11, तो ऐसे करके फैक्टर निकाल सकते हो 13 माइनस के 11, माइनस करके आना चाहिए ना, ये माइनस बता रहे कि माइनस करके कितना आना चाहिए 2, 13 में से 2 निकालेंगे, हाँ तो प्लस की तो लेकर आना है, ये आना आना घटाकर चाहिए, ये माइनस करके आना चाहिए ना 2, देखो अरे
आगे सोल्व करो। अब इसमें मान लगा दो इसके आगे, देखो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो, इसको हम लिखेंगे कितना 13 माइनस के 11, कितने बच जाएंगे 2 बच जाएंगे, माइनस का 143 बराबर 0। आगे सोल्व कर दो, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो, देखो प्लस ये प्लस का, ये प्लस का, तो प्लस 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 ही हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13x, प्लस माइनस माइनस तो कितना आ जाएगा 11x। ये x कहाँ सारे हैं, साथ में गुणा में है ना, इधर कौन है 143 बराबर कौन है 0। अब यहाँ पर क्या करना, तुम्हें x कॉमन खींच लो, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 13, यहाँ से कॉमन खींचो तुम कितना 11, यहाँ से बचेगा x, 11 से इसको काटो, माइनस माइनस कर देगा प्लस, कितनी बार काट देगा 13 बार, बराबर कौन है 0। एक बार लिखो x प्लस के 13 और एक बार लिखो x माइनस के 11, ठीक, बराबर में कौन है 0। अब बाहर निकाल लो, अंदर प्लस का है, बाहर जाकर माइनस का हो जाएगा 13, एक तो ये आ गया, अंदर माइनस का बाहर जाकर किसका हो गया प्लस का 11। तो इसमें जो आया आंसर हमारे पास कि जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 290 होना चाहिए, तो पहला जो पूर्णांक है वो कितना है, देखो ये माइनस का, ये माइनस का 13 आया है और ये प्लस का 11 आया है, तो प्लस वाला आंसर होता है। तो तुम लास्ट में लिखोगे पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखोगे, पहला विषम धनात्मक धनात्मक पूर्णांक जो आया हमारे पास x बराबर आया 11, कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 11। और दूसरा क्या होगा, देखो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा, दूसरा है x प्लस के 2, कितना है x प्लस के 2, x का मान कितना 11 प्लस के 2 बराबर कितना आ गया 13, तो दूसरा आ जाएगा 13, पहला आ गया कितना 11। अब देखो ये जो प्लस का है इसी को तुम्हें मान के चलना है, क्योंकि माइनस का ऋणात्मक संख्या लेते नहीं हम इसमें फैक्टर के अंदर, तो तुम किसको लोगे प्लस का लोगे। अब आगे समझ में, ठीक, हाँ नेक्स्ट वाला सवाल देखो कैसे करते हैं सॉल्व, ध्यान से देखियो इसकी हिंदी कैसे रखेंगे। इस सवाल में एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की हमें भुजाएं ज्ञात करनी है कि इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, विकर्ण क्या है, ये सारी चीजें इसकी निकालनी है। तो तुम्हें पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एक चित्र बनाना पड़ेगा इसमें आयताकार खेत, आयताकार खेत कैसे बनेगा वो देखो। तो आयताकार खेत बनाने के लिए तुम इसमें एक चतुर्भुज बना दो, चित्र बना दें इसका, चित्र कैसा बनेगा देखो, चित्र हमने ये बना दिया है, क्या बना दिया है, एक आयत बना दिया है। अब इसमें एक विकर्ण खींच दो, विकर्ण मान लो ये हो गया इसका, ठीक, ये वाली रेखा क्या होती है विकर्ण, ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये मान लो क्या है ए, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी है, चार भुजाएं हैं इसके अंदर। अब इसमें जो छोटी भुजा है हमने कह दिया क्या है एक्स है, छोटी भुजा क्या है एक्स है, तो यहां पर बोला गया है कि उसका जो विकर्ण है इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, अगर मैं x से 60 मीटर अधिक करूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 60 हो जाएगा, बताओ x प्लस का 60 हो जाएगा ना हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इसकी ये छोटी भुजा से, देखो इसकी जो बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा है, बड़ी भुजा कितनी लंबी है 30, छोटी भुजा से 30 ये लंबी है, तो ये x प्लस के 30 हो जाएगा। एक बार समझो, देखो देखो इसका आयताकार खेत का जो विकर्ण है ये है छोटी भुजा, और छोटी भुजा से कितने अधिक लंबा है 60 मीटर, तो x से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो अधिक का मतलब प्लस आ गया 60। अब इसकी जो बड़ी वाली भुजा है, ये वाली ये बड़ी वाली भुजा है, तो छोटी भुजा से कितने मीटर अधिक है, ये 30 मीटर अधिक है, छोटी वाली भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस का 30 हो जाएगा। ये सारे मान तुमने निकाल लिए, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे वो लिखो, इसकी हिंदी कैसे लिखोगे तुम लिखोगे, माना माना आयताकार खेत, आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या है, छोटी भुजा, जो छोटी भुजा है वो क्या है ए बी है, क्या है ए बी है, और ए बी हमने क्या मानी है एक्स मीटर। अब बड़ी भुजा क्या है, देखो अगर तुम यहां पर बड़ी भुजा लिखोगे इसकी आयताकार खेत की, तो बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा तुम्हें क्या दिखाई दे रही है बी सी, क्या है बी सी, कितने मीटर है, यह है एक्स प्लस के 30 मीटर। अब इसका विकर्ण लिख दो, आयताकार खेत का जो विकर्ण है, विकर्ण कितना दिखाई दे रहा है, विकर्ण है हमारे पास AC, और AC का मान है x प्लस के 60, x प्लस के 60 मीटर। अब लगा दे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, देखो
समकोण त्रिभुज एबीसी बनिया है, ये 90 का एंगल बनेगा तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में किससे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज एबीसी में, यहां पर कौन है, एबीसी है, ए बी सी में किससे निकाल दें, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। किसके याद है पाइथागोरस प्रमेय, याद है किसी के, क्या होता है बताओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सबको याद है। अब इसके मान रख दो, देखो कर्ण हमारे पास कौन सी है, ये एसी है, कौन है, एसी है, तो तुम यहाँ पे एसी लिख सकते हो, चाहो तो इस मोन में लिख दो, बट यहाँ पर कैपिटल में चलाओ, एसी का स्क्वायर हमने लिखा। लंब क्या मेरे पास, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार क्या है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर हो गया। अब इनके मान फिट कर दो, देखो ए सी का मान है एक्स प्लस के 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का, ए बी का मान कौन है, एक्स है, क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी का मान कौन है, एक्स प्लस के 30, एक्स प्लस का 30, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इसको फॉर्मूला कैसे खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो खोलें इसका स्क्वायर, देखो खुलेगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है 60, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2, ए की जगह कौन है एक्स, और बी की जगह कौन है 60, खुल गया 2ab, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस का 2ab, फॉर्मूले का आ गया 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह कौन है 60, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए की जगह कौन है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, बी की जगह कौन है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2, ए की जगह कौन है एक्स, एक्स लिखो, और बी की जगह कौन है 30, तो 30 लिख दो, तो 2ab। अगर सोल्व करो ये फॉर्मूले का आ है, फॉर्मूले का आ 2ab, ठीक, फॉर्मूले में चलता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आगे सोल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर मैंने ये ऐसे लिखा, ये वाला एक्स स्क्वायर, अब 60 का वर्ग कितना आएगा, 3600, कितना आ जाएगा 3600, 60 से 60 में गुणा करेंगे 3600 आ जाएगा, देखो 60 धुनी 120 और 120 से एक्स करोगे 120x बराबर, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x2, कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 2x2 हो गए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गए ना, और 30 कवर कितना हो जाएगा, 30 कवर हो जाएगा 900 हो गया, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 30 दुनी 60x आ गया। देखो 30 से इस दो की गुणा करेंगे, 30 दुनी 60 और साथ में कौन है x, तो 30 दुनी 60x आ गया ये वाला। आगे सोल्व करो, देखो बेसिक का कुछ नहीं है, अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर ऐसे लिखें, प्लस का कौन है 3600, प्लस कौन है 120x, देखो उधर प्लस का 2x2 है, इधर खींच के माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x2 हो गया, उधर प्लस का इधर खींच के माइनस का हो जाएगा 900, उधर प्लस का इधर खींच के माइनस का हो जाएगा 60x, सब खींच लिया हमने, बराबर क्या बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा। अब सोल्व करो, देखो 1x2 में से 2x2 निकालेंगे तो माइनस का x2 बचेगा, माइनस का x2 लिखें। अब देखो 3600 में से 900 निकाल दे, कितना बचेगा 2700 प्लस का बचेगा, प्लस का लिख दें, 120x में से 60x निकाल दें तो बचेगा प्लस का 60x। अब देखो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस प्लस, माइनस का 2700 कर देगा, माइनस प्लस माइनस का 60x कर देगा, और ये जीरो, देखो ये माइनस इसके जीरो को नीचे जाकर खत्म, तो समीकरण तुम्हारे पास ये आ गई। देखो आगे कैसे सोल्व करोगे इसको, आगे सुनो ध्यान से, अब बनेंगे इसके फैक्टर, देखो फैक्टर कैसे कर पाओगे वो देखो, ध्यान से देखो इसके फैक्टर कैसे कर पाओगे। हमारे पास समीकरण ये आई है, क्या आई है समीकरण, कि एक्स स्क्वायर, क्या आई है एक्स स्क्वायर माइनस के 2700 माइनस के 60x बराबर कौन है 0, ये समीकरण आई है। 60 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए, देखो पहले इसको क्रम से लिखो, पहले इसको लिखो क्रम से इस तरीके से, एक्स स्क्वायर पहले लिखो माइनस के 60x और बाद में लिखो 2700, कैसा करोगे सुनो, 2700 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए 60, तो 90 में से अगर मैं 30 निकालूंगा तो 60 बचेगा, और 90 से 30 की गुणा कर दूंगा तो 2700 आ जाएगा,
तो फैक्टर हमें मिल गए 90 माइनस के कितना आ जाएगा 30, 90 माइनस के 30, 90 में से 30 निकालेंगे तो 60 बच जाएंगे और गुणा करेंगे तो 27 आ जाएंगे, इसके फैक्टर हो गए ठीक। और ये एक्स ऐसे लिखे माइनस के कौन है 27। आगे सोल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो माइनस 90 से एक्स गुणा करोगे 90 एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस कर देगा प्लस तो कितना हो जाएगा 30 एक्स हो जाएगा, 30 से एक्स तो 30, 30 से एक्स करेंगे तो 30 एक्स आ गया, माइनस के कौन है 2700 बराबर कौन है 0। आगे सोल्व कर दो इसको, देखो कॉमन लेना सीखो यहां से, यहां पर कौन है ये ध्यान से देखें, ये 90 एक्स है, कितना है 90 एक्स है ये लिखा हुआ ठीक, इसको सही तरीके से लिख देते हैं कितना है 90 एक्स। अब यहां से कॉमन लेते हैं, देखो कॉमन आ जाएगा x, क्या आ गया x कॉमन आ गया, यहां से बचेगा एक x, यहां से बचा माइनस 90 x है ये, तो यहां से क्या कॉमन खींचा हमने x, तो यहां से बचेगा 90, कितना बचेगा 90, और यहां से कॉमन लेने कितना है, यहां से कॉमन ले लें 30, 30 कॉमन ले लिया यहां से, यहां से क्या बचेगा तुम्हारे पास x, और यहां से देखो 30 से 2700 काटोगे कितनी बार कटेगा 90 बार, हाँ कितनी बार 90 बार, कोई प्रॉब्लम। देखो सुनो एक्स स्क्वायर में से x मैंने बाहर खींचा ये, तो एक x बचा, यहां से देखो ये वाला x तो कहीं बाहर को आ गया है, तो यहां से बचा तुम्हारे पास माइनस के 90, ये प्लस मैंने ऐसे लगाया, यहां से 30 कॉमन लेंगे क्योंकि 30 इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा तो ये कॉमन खींच जाएगा, तो 30 मैंने बाहर खींचा, यहां से बचेगा तुम्हारा x, और यहां से बचेगा देखो जब तुम 30 से इस 2700 काटोगे तो 90 बार काटेगा, अगर ये ब्रेकेट में एक जैसे मान आते हैं तो फैक्टर हो जाते हैं सही। अब देखो एक बार ब्रेकेट वाला मान लिख लो x माइनस के 90 लिख लो, और एक बार लिख लो जो हमने बाहर खींचा है, यहां से x खींचा है यहां से 30 खींचा है वही प्लस का, x माइनस के 90 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास 90, एक तो ये है तुम्हारे पास, एक है तुम्हारे पास x प्लस के 30 बराबर 0, अंदर प्लस का बाहर जाके तो माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये जो आयताकार खेत है इसकी दूरी कभी माइनस में होगी, दूरी तो हमेशा प्लस में होती है। तो यहां पर तुम लिखोगे कि आयत का लास्ट में क्या लिखोगे, वो सुनो देखो तुम लिखोगे लास्ट में, लास्ट में क्या लिखोगे कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की, आयताकार खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा तो छोटी भुजा है वो है ए बी, क्या है ए बी, और ए बी हमने क्या मानी एक्स, और एक्स मान कितना आ गया 90, ये 90 मीटर आ गया, कितना आ गया 90 मीटर, मतलब ये एक्स का मान कितना आ गया 90 मीटर। बड़ी वाली भुजा निकाल दें, देखो बड़ी भुजा किसकी, आयताकार खेत की, वो है x प्लस के 30, कितनी है x प्लस का 30 है, x का मान कितना है 90, प्लस का कौन है 30, 90 प्लस के 30 120 मीटर। अब निकालते हैं विकर्ण, क्या निकालेंगे विकर्ण, अब विकर्ण क्या है मेरे पास, विकर्ण है AC, और AC जो माना है हमने क्या माना है AC माना है, और AC की जगह कौन रखेंगे x प्लस के 60, x का मान कितना आया है 90 आया है, प्लस कर लिखोगे 60 तो कितना हो जाएगा 150 मीटर का, तो तुम्हारे पास जो विकर्ण आया इसका ये कितना आ गया 150 मीटर का, ये सारा विकर्ण जो है 150 मीटर का है ओके। तो ऐसे सोल्व कर सकते हो, आसान सवाल है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर।